यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, जो तू यहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, जमीन ठीक है आसमां मुनासिब है, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ से मैं भी कहूँ हाँ यहाँ मुनासिब है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, Dost Jigjani, yani ke Imran Ali Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाडा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। नए और पुराने तमाम लिसनर्स को और 101 इंटरनेशनल के सभी लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जी जिन जिन की आज बर्थडे है उन सबको बोलेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी ते मेनी मेनी ते मेनी मोर, जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर दिए, वैसे पेपर नहीं आजकल, तैयारियां करो भाईजान स्कूल लगने वाले ने। सो जनाब बच्चा पार्टी की अयाशी जो है वो अपने ठिकाने को पहुंची, यानी के सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के तलबा और तालबात जो है वो जाएंगे, काफी अरसे के बाद उनको आजादी नसीब होगी। जनाब मुझसे रब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471, अपने राइट मैसेज में जाएंगे 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471 पे। तो जनाब ये तो था हमसे रब्ते का पहला नंबर। उसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्ते यानी के फेसबुक यूजर्स की। तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना प्रेम पत्र यानी के प्यार का पैगाम मुझ तक पहुँचाएंगे। यकीनन आज हम फेसबुक के जो यूजर्स हैं उनके भी उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन पहले 15 मिनट जो होंगे वो 4471 यानी 4471 जो जहाँ जहाँ मौजूद है जनाब, एक हाजिरी लगाना फर्ज है, यानी कि ये बताना फर्ज है कि मानी भाई मैं भी सुन रहा हूँ। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि आप सभी के सभी हिट फिट लश होंगे। और यकीनन जिन लोगों को एतराज है जी मैंने वेनसडे प्रोग्राम नहीं किया उसके लिए माजरत, और यकीनन बहुत सारे आप लोगों के पैगाम मुझ तक आए हुए हैं। और दिल वास्ता, तो भी
बच्चों को जला करूं। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101, मेरा नाम मानी है। बिना नी दिल रजदा मोहल्ले बच्चों को जला करूं, देवा वासदा ओ भी बसोने रब दा मोहल्ले बच्चों को जला करूं। तेनु तके बिना नी दिल रजदा, ना करें देवा वास्ता ओ भी बास होने रब दा मोहल्ले बच्चों कुछ ना करें। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले बच्चों कुछ ना करें। जनाब, इस गाने की फरमाइश बहुत सारी जगहों से मुझे आई और सारे लोग ये कहते थे कि नबील को आप क्यों नहीं प्रोग्राम में शामिल करते। नबील इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन बस ये गाना मुझे नबील का वाकई अच्छा लगता है। जिमें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दिती यही ये चीज। मेरे हर रंग राग सुरा विच वस गई है तेरी तस्वीर। जिमें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दिती यही रंग इश्क दा चढ़िया रांझा मैनू अज दा मोहल्ले बिच्चों कुछ ना करी। तेनू तकिया बिना ही दिल रजदा मोहल्ले बिच्चों कुछ ना करी। तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लंघ दे दिन मेरे। जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावा तेरे। तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लंघ दे दिन मेरे। जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावा तेरे। मैं था मर जावा मेरी रूह तड़पिए जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़किए। दिल मेरा बिल्कुल जी, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे मेरा शो नहीं बजा है। ईशा नूर कह रही है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम 101 के हीरो, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? मैं वैसे ही पुराना खराब। अच्छा जी, शुमाइला कह रही है सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मानी जी, क्या हाल है, उम्दा शो। और सब दोस्तों को और पाकिस्तान आर्मी को सलाम, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। पगली कह रही है सलाम मानी, कैसे हो, हाय एडी तू पगली है। कह रही है जी हमने आपको बड़ा मिस किया वेनसडे को, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिजा खान है जी सियालकोट से, कह रही है आपका शो बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। आज क्रीम श्रीम लगाई है मैंने शो को, मैं रेगुलर बेसिस पे ना शो को ना मुंह धो के लाता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा जी, फिजा खान कह रही जी आपकी आवाज जो है ना वो कातलाना है, मैं भी सोच रहा था कब्रिस्तान कहाँ से भर गए। अच्छा जी, कह रही मेरे लिए एक शेर कह दें आप, फिर कह ही दूं आपके लिए शेर है कि वो है ना कि मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, आखिरकार दिल ने इकरारे जुर्म कर लिया। अच्छा जी, खजीना लाहौर से कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अच्छा जी, अजमत लियाकत कह रही है इस्लामाबाद से, ओए डीजे आई एम प्रेजेंट, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स और पाकिस्तान आर्मी के लिए सलाम। सलाम जी, उबैद ने अटक से मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि मानी भाई आपका परसों बहुत इंतजार किया, शो बहुत अच्छा है,
आपका प्रोग्राम बहुत अरसे से सुनता हूँ लेकिन मैसेज पहली बार किया है। शदीद तरीन कंजूस आदमी हो तुम मतलब इंटरटेनमेंट सारी ली है, है लेकिन मैसेज आज पहला किया है, ठीक हो गया। सलाम आने भाई, कैसे हैं जी? आयशा और मेरे साथ मेरी सिस्टर है जी फातिमा, अटक से बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे आप लोग, बेटा बेटा मैसेज कर रहे हैं, कह रहे जी कैसे हैं आप, मैं वैसे ही पुराना खराब, कह रही जी आपका प्रोग्राम 2015 से सुनती हूँ लेकिन आज पहली दफा मैसेज किया है, तो दोस्तों भी शदीद कंजूस है मौला। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं जी? अतिया अंसारी ने आजाद कश्मीर से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं, शो सुपर से भी ऊपर है और आपकी आवाज औसम है, ठीक हो गया जी। आपने इतना कुछ लिख दिया, 101 की तमाम टीम को सलाम जी, और मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ते, आपका ही मैसेज पढ़ रहा हूँ, और कौन सा, मैं खाला कनीज का पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हलीमा ने मैसेज किया, हलीमा इमरानियन ने रावलपिंडी से, ठीक है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कह रही मैं आपकी फैन हूँ। हाय हाय, इस मौसम फैन भी चलेगा, लेकिन पिछले मौसम में ना इतने एसी चाहिए थे ना। हाय हाय हाय, अच्छा जी मीरा मैसेज कर रही है मरी से, कह रही है मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मैसेज पूरा पढ़िएगा, आपकी आवाज में क्या कमाल है, हैं मानी भाई, अगर आप आज मेरा मैसेज नहीं पढ़ेंगे तो मैं और मेरी खाला अतीका और मेरी आपी मारिया आपके स्टूडियो आ जाएंगे, फिर ना इतराज कीजिएगा, ठीक हो गया। बदमाशी कर सकते हैं जी, मरी वाले कर लेते हैं, माल रोड पे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। अच्छा जी एस चकवाल ने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया एस चकवाल आपके मैसेज का, लेकिन आपके मैसेजेस ऑन एयर नहीं कर सकता मैं। अच्छा जी आशी खान एप्टाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है जो अच्छा ठीक है। सपना ने हरिपुर से मैसेज किया, असल में मैं जरा ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता, सच निकल जाता जो लिखा होता है। अच्छा जी सपना कह रही है हरिपुर से, मानी भाई पहली दफा मैसेज कर रही हूँ, तुम भी बहुत कंजूस है। इम्साल अली, अच्छा इम्साल अली के कहने पे मैंने प्रोग्राम सुना, उसको हेलो बोल दे, हेलो इम्साल, इम्साल इम्साल बेटा हैंड फ्री ठीक करो। अच्छा जी सईदा ने फैसलाबाद से मैसेज किया, कह रही है मानी जी लिल्लाह मां सदके जाए, जी के ऊपर जो 500 किलो वजन डाला ना, मैं क्या बात है। अच्छा जी को ना पूरा ही खींच दिया इस लड़की ने। अच्छा जी नाजी इमरानी ने चकवाल से मैसेज कर रही, कह रही है आई मिस यू मानी भाई। अच्छा जी वेनसडे को क्यों नहीं आया, वेनसडे को मैं बस ठीक नहीं था इसलिए नहीं आ सका। उसके बाद जी अनम मलिक मैसेज कर रही, कह रही है आई लव यू टू बच्चा, जीती रहो हंसती रहो। इम्साल अली शालू मैसेज कर रही है, ओए डीजे है, ओए डीजे, ये वही ओए डीजे है ना जो मेरे बीजीएम में भी कहता है ओए डीजे, जिस दिन मुझे मिल गया ना बहुत लाफे खाएगा मुझसे। अस्सलाम वालेकुम जी, शकील ताड़न अवान है जी, उन्होंने तहसील तलागंग से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई इन्होंने भी पहली दफा मैसेज किया, माशाल्लाह आज का मेरा प्रोग्राम सारे कंजूस लोग सुन रहे हैं, मतलब वो लोग जो जेब से फूटी कोड़ी नहीं लगाते वो आज मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन लोग हो तुसी। अच्छा जी अफशा हसन अब्दाल से मैसेज कर रही है, कह रही है कि मेरी छोटी बहन तो आपकी दीवानी है, दीवानी 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 नहीं, वो नहीं होता जो जेलम पे दीवाने मिलते हैं। अच्छा जी मैमुना फातिमा आमना एंड मेहर D18 इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है हेलो ब्रो कैसे हो, शो इज गोइंग गुड और आपकी आवाज क्यूट है, ठीक हो गया। ये पहली दफा इन्होंने कहा क्यूट है, हमेशा कहती है अच्छी है, ठीक हो गया। अच्छा जी इकरा मैसेज कर रही है इस्लामाबाद से, इकरा बहुत शुक्रिया, ये एक नई इकरा आई है जी और ये भी इमरानियन में इजाफा है, यानी कि ये भी इकरा इमरानियन है और वो कह रही है जी मैं अभी आज ही मैं इमरानियन बनी हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी गुफ्ता नौरीन है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, मैं वैसा ही पुराना खराब, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी गुल अहमद ने मैसेज किया, कह रही है कह रहे हैं जी मेरा भी पहला मैसेज है, शदीद कंजूस आदमी, हे योर बिगेस्ट फैन महीन महीन अहमद। अच्छा कंबल से मैसेज कर रही है, कह रही है डीजे 9 times सिट स्टैंड करें, अच्छा परसों की पनिशमेंट के लिए, ठीक हो गया। इनामुल हक जड़ा वाला से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका शो मजा, आपके शो का मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है ठीक है मैं समझ गया हूँ, हमारे हाथ में मजा है।
अच्छा जी, तारी ने फतेहजंग से मैसेज किया, कह रहे हैं कैसे हैं, लव यू भाई, बहुत शुक्रिया। गुप्ता नोरीन ने फिर से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं सर, वैसे ही सर तो मेरा पुराना ही है, माँ बाप ने ठीक ही बनाया था मेरा सर। अच्छा जी, उसके बाद जी अतीका मैसेज कर रही है रावलपिंडी से। अतीका बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। ये वो लोग हैं जो पैसे लगाते हैं और इनके मैसेज पढ़ने का फिर मुझे मजा भी आता है। रात के इस पहर जहाँ कोई नहीं जाता जी, वहाँ हम जाते हैं, हमें कहते हैं 101। मेरा नाम इमरान अली मानी, मेरा आपका साथ रहेगा रात पूरे 2 बजे तक। अच्छा जी, असद ने मैसेज किया चीचा वतनी से, कह रहे हैं नाइस शो भाईजान, बहुत शुक्रिया। यमुना अली है जी, कह रही है मानी भाई आप मेरे फेवरेट आरजे हैं। ठीक है, सुन लिया मानी भाई, इसको कान पे धर ले इस बात को, वरना मैं दोबारा नहीं बताऊंगी आपको। और इनका भी ये मुझे फर्स्ट मैसेज है, ये भी माशाल्लाह कंजूसों की लिस्ट में टॉप पे है। अच्छा जी, लियाकत तनोली है जी मानसेरा से मैसेज करे, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, प्यारा शो करते हैं आप। नहीं जी, मैं घर से प्यारा करके लाता हूँ। अच्छा जी, माहीन कह रही है मानी अंकल इमसाल को 2 थप्पड़ लगा दें जी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मैम सदफ ने अभी तक नहीं दी, वरना मैं ये काम जरूर कर देता। अच्छा जी, ईशा नूर कह रही है जी मेरी मामा भी सुन रही हैं, सो वो कह रही है कि आप 101 के हीरो हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आंटी, आई टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा वैसे मुझे पश्तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये गाना मैंने इतनी दफा सुना है कि मुझे वैसे ही याद हो गया, मतलब नहीं कि बीट के साथ ही खुद ही लफ्ज निकलना शुरू हो जाते हैं बंदे के। अच्छा जी, अरमान है इस्लामाबाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मानी भाई आपको और तमाम लिसनर्स को सलाम और दुआ। अच्छा जी, उसके बाद भाईजान कैसे है, मुदस्सर ने कसूर से मैसेज किया, ये कसूर मेरा है मेरे भाई, ये मेरा कसूर है। अच्छा जी, कमल कुरैशी है मुल्तान से मैसेज कर रही है, कह रही है मानी जानी, अच्छा जी कैसे हो, आज मेरी बर्थडे है, सो यादे माजी गजल आखिर में क्यों नहीं सुनाते हैं। अच्छा जी, लाजमी सुनाएंगे जी, और क्या याद करेंगी, आपकी बर्थडे है सो अभी सुनाए देते हैं आपको। वो है कि यादे माजी मुझे सोने नहीं देती, मुझे सोने नहीं देती, बंद आंखों में भी ख्वाब पिरोने नहीं देती, तेरी ही याद में बसर होती मेरी रातें, दरो दीवार भी करें बस तेरी बातें, बदले में मिले भी तो फकत आंसू, तेरी हंसी की खनक मुझे रोने नहीं देती। मोहब्बत में कुछ नहीं था वफाओं के सिवा, जफाएं तो यूं ही मिली मुझे बेवजह, पैमाना मेरे बस में नहीं सब्र का मानी, बिछड़ी है इस तरह किसी का होने नहीं देती, यादें माजी मुझे सोने नहीं देती। अच्छा जी, अनाया ने एजे के से मैसेज किया, अच्छा जी अनाया एजे ने मुल्तान से मैसेज किया, ठीक हो गया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मैं लास्ट वीक से आपका शो सुन रही हूँ और आपकी आवाज और एनर्जी सेम मेरे मामू जैसी है। ठीक हो गया, अच्छा आपके मामू से मिलना पड़ेगा, उनका मैं फैन हो जाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद हारून शहजाद है जी कलर सईदा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई क्या हाल है, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, मानी भाई आज शदीद थकावट है लेकिन आपका शो बिना नींद, आपके शो सुने बिना नींद नहीं आती, सो लो रही हूं ना मैं। अच्छा जी, फिजा ने पिशावर से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई प्रेजेंट हूँ, आपका शो सुपर्ब है, ठीक हो गया। गजनफर कह रहे हैं जी अटक से मानी भाई की हाल है, हाल बिल्कुल प्यारे हैं। सलमान इमरानी ने कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मेरे लिए एक शेर हो जाए। आप लोग आन हैं, आप लोग बान हैं, आप लोग शान हैं, इमरानियन तो मानी की जान है। अच्छा जी, असद ने चीचा वतनी से फिर से मैसेज किया, इकरा इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है मानी भाई कभी पश्तो सॉन्ग भी लगा दें, ये पीछे मैंने कवाली लगाई है, पश्तो सॉन्ग चल रहा है। अच्छा जी, अनम मलिक कह रही है जी मैं भी हूँ, ठीक हो गया आप हैं, मैंने कब कहा कि आप चली गई दुनिया से। अच्छा जी, हूर कह रही है कि हूर खान कहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं, हूर 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 आप तो जन्नत से बिलोंग करती हैं।
हमने तो बचपन से सुना था हूरे जन्नत में मिलती हैं, वो दुनिया में टक्कर टुकर जाए तो और बात है। अच्छा जी, इखलाक बाजवे हैं जिन्होंने कहा जी मैं 5 साल से आपका शो सुनता हूँ मानी भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी। फरवा सईद हैं जी, उन्होंने हरिपुर से मैसेज किया, कह रही हैं हे मानी भाई कैसे हैं जी, और अपनी फिल्म का नाम बता दें, विसल मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, WHISTLE विसल अभी लिखे आपको मिल जाएगी। हे मानी भाई कैसे हैं जी, हसीना इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है। यूनस खान ने मलाकंड से एजेंसी से मैसेज किया, कह रहे हैं आई लव यू मानी भाई, अब मुझे पता चला ये क्यों कहता मलाकंड आओ ना 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 ना। अच्छा जी, अब्दुल रजाक ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, हाजिरी लगा दें, लग गई आपकी हाजिरी, रजिस्टर्ड खोला हुआ मैंने, पहले 30 मिनट में मैं सारे लोगों की हाजिरी लगा लेता हूँ कि कौन है कौन नहीं है, और फिर नेक्स्ट डे पनिशमेंट भी होती है। अच्छा वैसे मैं खुद नहीं आता तब भी पनिशमेंट होनी चाहिए वैसे। अच्छा जी, हेलो मानी भाई कैसे हैं जी, मैं ठीक हूँ। इन्होंने ये भी मुझे 5 साल से सुनते हैं, आज पहली दफा मैसेज किया, मैंने बताया ना आज कंजूसों के लिए मैंने शो किया है। मोमना हनीफ सियालकोट से मैसेज कर रही है, अस्सलाम वालेकुम आरजे मानी कैसे हो, वैसे ही बिल्कुल ठीक प्यारा। अच्छा जी, शो सुपर्ब है और ठीक हो गया, कह रही जी काफी दिन से आपने शो नहीं किया था, बड़ी टेंशन हो गई थी, टेंशन नहीं लेते होते, ठीक हो गया। खतीजा इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, खतीजा आप बिल्कुल गलत सोच रही है, इमरान अली मानी नाम है मेरा। अच्छा जी, आमना ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, कह रही है पहली दफा मैसेज किया है, नाइस शो ब्रो, थैंक यू सो मच, अब जीती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो और इसी तरह मैसेज खड़काती रहो। चलें जी, आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या ये भी मैं आपको बता दूं, और उसके बाद हम चलेंगे जी फेसबुक के मैसेजेस की जानिब, यानी कि www.facebook.com/FM101ChannelPakistan। और आज के प्रोग्राम में हम ये करेंगे कि मैंने सुना है छुट्टियां खत्म हो गई आप लोगों की हैं तो जनाब कौन कौन सा बच्चा बच्ची लड़का लड़की जो है ना वो एक्साइटेड है कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मतलब क्या आप लोगों की फीलिंग्स है आज, मतलब आपसे कुछ दिन के बाद आप लोग वापस जाना शुरू हो रहे हैं और इतनी लंबी ब्रेक आपको कभी नहीं मिली जितनी इस दफा मिली है, इस दफा तो मुफ्त में पास भी हुए हैं आप लोग। तो जनाब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने अभी तक जितने लोगों से पूछा है, जितने लड़के लड़कियों से पूछा है कि कैसा, मतलब कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी वापस खुल रही है, कॉलेज वापस खुल रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, तो सारे कहते हैं जी मिले जुले हैं जी, दिल कर भी रहा है जाने को, नहीं भी कर रहा, डर तो है कोई नहीं वैसे कोरोना का आप लोगों को, लेकिन एक बात है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मतलब उसमें कमी आ गई है। तो जनाब ये बड़ा खूबसूरत हुकूमती इकदाम जो के जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उन सबको ओपन किया जा रहा है। सो जनाब आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि खुलने चाहिए तो या बंद ही रखिए, फिर बेच ही सड़ी है बिल्डिंग है। जनाब जब कॉलेज की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो सरमद कदीर का ये ट्रैक कैसे ना चले, इस ट्रैक से जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी कॉल्स यानी कि 111-000-101 से लेनी स्टार्ट की जाएंगी जी, और आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या हालात हैं, आप स्कूल जाने के काबिल हैं भी या बस ठीक है उन फिर जा नहीं दिए हैं। सो जनाब यकीनन आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा, खासतौर पे वो लोग जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो लोग आज मुझे कॉल करेंगे और बताएंगे कि उनका ये जो छुट्टियां थी वो कैसी गुजरी और आगे क्या होने वाला है, डर रहे हैं या फिर लग रहा है कि ठीक है, याद है या भूल चुके हैं पिछला सारा कुछ। याद की जिंदगी प्यारी सी, नसी खौफ कोई ना, फिकर ना फका एक वखरी खुमारी सी, हुंदे पए सी जवाने इको गलत ते आने आपा पटनी कवारी सी, किन्ना मजा सी गाउंदा जदों इक कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी।
ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े हाय हाय लाइफ सी बेली यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े उसी के जेब दे फकीर की में बनी है अमीर ही कोशिश जारी सी बाकी हर शसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी ते जद आने एक जैम एक वखरा जब एम हुंदा दिले उते तारी सी ओ की मेरे शिवत लखे नम यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी तेरा बबलो ही पास हो जाना पंगड़ा रज रज सब ने पौना ते उची उची या पाला क्यों लेबर सैल पुरी दा गाना ये ये अजो सारे के सारे अजो कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया जिन्हों फिकर सी बोता है ओ थे खलोता पे आज भी ओ सोचिए ते जेड़ा सोचता जरा भी नहीं सी वेखो वेखी आज देखो बन गया फौजीए ते मापे जिन्हा दे सिर च ओने नशे आंदे विच मत ओना दी गई मारीए ते जेड़े छट कार बार बस कर दे सी प्यार होई ओना ना भी माड़ीए ते सी बन गए सुपर स्टार है लैली काली माड़ी कार ते कम है गाने गुणे गाना हॉर्न तो जनाब सारे अजो 111-000-101 मुझ पर आपने का नंबर यानी कि 1110101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 056 का एरिया कोड और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है इसे मिलाएंगे 0092-511-111-101 अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती तो 0551-920-2540 ये दूसरा नंबर है यहाँ से भी आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा जनाब आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजरी कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने इस छुट्टियों को कितनी तैयारी है आप लोगों की और आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में जाने के लिए कितनी तैयारी की और टाइम देते थे पढ़ाई को नहीं देते थे कैसी गुजारी आप स्टूडेंट ने अपनी ये लाइफ 6 महीने की सो इस पे हम बात करेंगे 111-000-101 पहले कॉलर को साथ लेंगे Going down from the bed to the ground, straight up on the phone, girl, you deserve the crown. I will make a bone, we'll make a round for round, get you deep in the zone, we'll move tight the bone. You feel what I feel when I hit your G's, but this fight no lie between your legs full of tricks. You deserve better from me, sound make you better when times get cool, I give you warm like a fire. You deserve the best, nothing less, you're full of happiness, you deserve happiness. Like birds in a tree, living in a happiness, fulfilling my dream with my quick motion. Better than a river in Bali. Let me la 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 love you like you need. You deserve
somebody to treat you like a queen. तो जनाब हम चलेंगे जी पहले कॉलर की जानिब और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, लेके आने ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? निका वासी सोमवारी। निका वासी, क्या हाल है निके? मैं ठीक ठाक हूँ। आपने पिछला शो क्यों नहीं किया? पिछला शो क्यों नहीं किया? ऐसे अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी मिस किया आप सबको, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, दिल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू आनी भाई, बताएं क्या कुछ हो रहा था? बस अभी कुछ नहीं हो रहा, बस अभी थोड़ी देर पहले फुटबॉल खेल रहा था, अभी बस हॉकी लेके आया हूँ, बस खेलने लगा। अच्छा क्रिकेट कब खेलेंगे? बस वो तो अगले साल खेलूंगा। अच्छा चलें टॉपिक पे बात करें। नहीं रहने दे, दफा करें। <की बात है>। अच्छा तो क्या किया छुट्टियों में? तो छुट्टियों में कुछ नहीं, पूरी किया और जो कुछ याद है वो बुला दिया। अच्छा याद नहीं है अब कुछ भी? अभी कुछ भी याद नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी ना तो वो मैंने आधी ली है ना, तो आधी कोई नहीं ली। अच्छा तो अभी जब जाऊंगा ना वापस तो टीचर बोलेंगे कि अभी तो ऑनलाइन सब कुछ तो पढ़ा दिया ऑनलाइन पे, तो अभी तो टेस्ट लेने, तो फिर उस वक्त जो मेरा हाल होगा। और मतलब जा रहा हूँ ना तो फिर पानी पे घर वालों को भी छोड़ के। तो फिर अच्छा तीन जो है मतलब तीन ऑप्शन है कि बस ठीक है जा रहे हैं तो ओके है, या बंद ही रहनी चाहिए, या खोल दो। बंद ही रहनी चाहिए तो ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये कहेंगे नहीं जी बिल्डिंग ही मिटा दो। मैं कहता हूँ गाड़ी को गिरा दे। ठीक हो गया जी, ये पहला बच्चा है जी निका वासी जो कह रहे जी कॉलेज बंद ही रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी जुनेद साहब, कैसे हैं आप जी? मालिक भी हम कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी पढ़ते हैं जी? मैं ब्लाइंड हूँ, छठी क्लास का तालिबे इल्म हूँ। छठी क्लास के तालिबे इल्म है जी? जी ब्लाइंड स्कूल मुल्तान में पढ़ता हूँ। अच्छा तो स्कूल खुल रहे हैं आपके? जी स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन रोना मुझे। क्या कर रहे हैं? मुझे रोना आ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुल रहे तो रोना क्यों आ रहा है भाई? स्कूल नहीं खुलने चाहिए, स्कूल नहीं खुलने चाहिए। अच्छा जो कौम कह रही थी कोरोना ज्यादा देर चले, उन्हीं का जल्दी खत्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मान भाई मैंने दोस्तों को सलाम देना चाहूंगा। जी जी जी, अनस भाई, मोइन जट साहब, अली रजा भाई, हसनैन भाई, सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और मान भाई तो आप थोड़े से ब्लाइंड के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू किया करें। ठीक हो गया। याद रखना इंसान की ना दो आंखें होती हैं, एक अंदर की भी होती है ना, एक 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 जाहरी आंख होती है, एक बातनी आंख होती है। जाहरी बंद हो सकती है मेरे भाई, जाहरी आपकी बंद हो सकती है, लेकिन आपकी जो अंदर की आंख है, ये बातनी आंख है, वो तो आपकी खुली है ना। अल्लाह आपको बस ऐसे ही महसूस करते जाए चीजों को। याद रखिएगा जब अल्लाह कोई कमी छोड़ते हैं तो किसी ना किसी तरफ से ज्यादती भी जरूर आपके साथ, मतलब आपके लिए कोई ना कोई चीज खास रखी होगी अल्लाह ने, जो कि आम बंदे को नहीं दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका लिसनर हूँ, बहुत अच्छा लिसनर। जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरे ऐसे लिसनर जो है ना मेरे, मेरा मेरा प्यार है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मुझना बात कर रही रावलपिंडी से। मुझना बात कर रही है रावलपिंडी से। मुझना तो कैसी गुजरी छुट्टियाँ? मेरी अच्छी गुजर गई। क्या किया छुट्टियों में? किया क्या? मैंने मोजे किए। मोजे किए, ठीक हो गया। तो आगे का क्या सीन है? आगे एक्साइटेड हूँ मैं कि खुल रहे हैं। खुल रहे हैं, अच्छा। ये लड़की जी पढ़ी लिखी पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, वैसे होती तो 33 नंबर लेके पास है, लेकिन फिर भी इस लड़की ये एक्साइटेड है जी। अच्छा आप एक्साइटेड क्यों हैं? हेलो जी जी, एक्साइटेड क्यों हैं आप? बस हूँ एक्साइटेड। नहीं नहीं, कोई वजह भी तो होती है, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत तैयारी की है, मैं जाके टॉप कर लूंगी। नहीं अभी तो मतलब सेकंड ईयर के बाद तो अभी फर्स्ट टाइम ना यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो। अच्छा मैं जब भी स्कूल गया, जब भी कॉलेज गया, जब भी यूनिवर्सिटी गया, मैंने टॉप किया। वो लास्ट से है ना? नहीं लिस्ट को उल्टा करो तो टॉप पे मैं ही होता था। तो ही कह रही हूँ ना। हाँ देखे, टॉप करना तो बहुत मुश्किल काम होता है ना, बंदा सेकंड लास्ट पे भी आ सकता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता था कि आखिरी पोजीशन ना जाए किसी के पास। आप भी ऐसी हैं? नहीं जी। अच्छा तो आप आगे पढ़ क्या रही हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगी। ओए होए, एहो जे भी इंजीनियर आ गए, इंजीनियर।
अच्छा मार्केट में आजकल क्या क्या आ रहा है, अल्लाह ही पूछे तानू। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो मुजना। मुजना थी जी हमारे साथ, ये एक्साइटेड है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? नजीउल्लाबासी। तो कैसी गुजरी छुट्टियाँ जी? छुट्टियाँ अच्छी गुजर गई मानी भाई। क्या किया छुट्टियों में? यूनिवर्सिटी को मिस किया, कुछ नहीं किया। तो एक्साइटेड हो जाने के लिए? बिल्कुल, आजादी हुई है। नहीं नहीं खान साहब, ये भी कह रहे कि अंदर कोरोना ही कोरोना है, लेकिन यूनिवर्सिटी ओपन कर दे हम फिर भी चले जाएंगे। नहीं उसके रीजन ये नहीं है कि हमें पढ़ने का बहुत शौक है। चले ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहोगे? और मैं बात ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये न्यूज सुनते कि WHO ने ये कहा है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड कहा है कि पाकिस्तान को आइडिया रखना चाहिए। अब जितने भी मुल्क है जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना पे काबू पाया, तो मेरे अगर पाकिस्तान कितना पाकिस्तानियों को आइडिया किया था कि जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ छोड़ी, लेकिन अल्लाह पाक का विश्वास करम था, तो जिस वजह से मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो कोई मालिक है उसको हमें अपना आइडिया याद में रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है नजी। और अगर आपको याद हो कि जब मैं कोरोना सीजन में प्रोग्राम्स कर रहा था, बैक टू बैक मेरे रेगुलर प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं एक बात हमेशा कहता था कि हम इंशाल्लाह वो कौम बनेंगे जो चाइना के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा जल्दी हम लोगों ने जान छुड़वाई, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, और मैंने तो काफी खुशी हो रही थी जब बाद WHO ने कहा, दुनिया को कहा कि पाकिस्तान करना आइडियल माने। नहीं असल में ऐसा नहीं है, उनको पता है ना साड़ी सुननी थे आई को नहीं आइडियल मान लो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। मेरा नाम मानी है, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने किसी की नहीं मानी वैसे आज तक जी। कैसे आप? मैं वैसे ही पुराना खराब, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, मैं खराब हूँ। तो आपने मुझे कॉल क्यों की? बस मैं ठीक हूँ, मुझे पता था आप खराब है इसलिए मैं ठीक हूँ। आप चाह रही थी कि आप चाह रही थी मेरी काउंसलिंग करना कि मैं इस बच्चे को सिखा लेती हूँ जाकर, ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं मैं ऐसा सोचा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने खराब है, अगर मुझे इतना पता होता तो सोच लेती इस बारे में। आए माँ सदके जाए, नाम बताए ना जरा अपना। मैं अमल अबा से बात कर रही हूँ। अच्छा मैं अच्छा अच्छा मैं मानी हूँ जिसने आज तक किसी की नहीं मानी, ये अमल है जिसने आज तक कोई अमल नहीं किया। नहीं मैं करती होती हूँ। अच्छा ऐसी बात नहीं है, मैं अक्सर कर लेती। आप एक काम करें, अगर इस बात पे आप इतनी सच्ची हैं तो जाएं आप फोन अपनी अम्मी को दे दें। अम्मी सॉरी भी है, अगर मैं अभी जाके उन्हें फोन दूँ तो अच्छा, चित्रोल हो जाएगी। अच्छा इतने बहाने लड़कियों के पास होते हैं, अम्मी सो गई है मतलब अम्मी 12 बजे लोग सोते ही। देखें 2020 की देखे मेरी देखे अमल अमल मेरी बात सुने, 2020 की अम्मियाँ नहीं सोती, उनकी एक एक आंख खुली रहती है। मेरे पास तो है 20 बार तो मुझे बुला चुकी है, एक तो मोमेंट उसकी एक ही जगह पे ठंड में खड़ा किया हुआ है उसी जगह से, या ना हिल सकते ना एक ही जगह ट्रांसमिशन आ रहा है वही सही नहीं आती तो मैं क्या करूँ। अच्छा ये खड़े अच्छा ये सारी कितनी लड़कियाँ खड़ी हैं आप लोग? ये हम सुंदर सवासी मोमना वासी और मैं, तीन। अच्छा तीन लड़कियाँ एक ही जगह पे ट्रांसफर बात करनी है, बैलेंस नहीं है। सुनने क्या कह रही है, हमने बात करनी है जल्दी जल्दी करनी है भाई। हेलो हांजी, ये तुसी फूफो दे घर नहीं आए, स्टेट चैनल है। चले थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो लड़कियों। इतनी सर्दी में खड़ी होगी आप लोग मरी में मेरा प्रोग्राम सुन रही है, हंसती रहो मुस्कुराती रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? दनीन बात कर रही हैं आप? दनीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी तो मैंने जी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। भाई अभी फर्स्ट ईयर में। अच्छा फर्स्ट ईयर में आप, तो आपकी छुट्टी आपकी छुट्टियां कैसे गुजरी? बहुत अच्छी। क्या किया आपने छुट्टियों में ऐसा जो बहुत अच्छी गुजर गई? बहुत ज्यादा ड्रामे देखी। अच्छा बहुत ज्यादा ड्रामे देखे, ठीक है। अच्छा जितने भी आजकल ये जवान लड़कियां ने इतने बड़े ड्रामे बन चुकी है ना घर में ड्रामे देख देख के। नहीं कल तो इसमें करनी चाहिए क्योंकि दादी हर वक्त डांटती है। अच्छा ये दादियाँ हमेशा डांटती क्यों हैं? मेरा ख्याल है दुनिया में इनकी जो है ना ड्यूटी है डांटने की। मैं बस दादियों के पास और काम नहीं होती है, बस हमें डांटती है। मतलब सारी दुनिया के काम कर चुकी होती है दादियाँ हैं, उसके बाद डांटने वाली ड्यूटी ले लेती है। डांटूंगी मैं, बाकी आप करते रहे। पागल होती है ना इसलिए।
हाँ चले थैंक यू सो मच बच्चा अपना बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? जी मैं रूम पास कर रहा हूँ फैसलाबाद। रू ना फैसलाबाद तो की हाल कर ले मुंडिया, तेरे भी स्कूल खोल रहे ने या तू स्कूल खोल रहे जाके? क्या बताया मानी भाई, वही बात है ना, रहने बस छेड़ना दर्दा नू, वही काम है। नहीं नहीं वो हम तो छेड़ेंगे आज ना, मुझे ये बताओ क्या एक्साइटेड हो या चाहते हो कि बिल्डिंग ही खत्म हो जाए? हाँ जी चाहता हूँ कि स्कूल खुल जाए जल्द जल्द, क्योंकि घर रह के भी बेइज्जती हो रही है घर वालों से, इज्जत ही कोई नहीं घर में। नहीं बाहर कौन है तुम्हारे चादरें चढ़ती हैं? नहीं फिर भी बंदा कहते हैं ना कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, उसके बाद अकेडमी से आ रहा है, खुद तो इज्जत होती है, लेकिन यहाँ पे इज्जत ही कोई नहीं रही। अच्छा देखो ना ये जो छुट्टियाँ थी इनमें ना मुंह से सजा मिलती थी, मतलब डांट मिलती थी, लेकिन स्कूल से तो फिर वापसी पे चमक ही होती है ना, वो भी पतले वाली। कई तो माशाल्लाह माँ बाप इतने टेक्निकल होते हैं, ऊपर टेप भी चढ़ाते हैं। चमक बच्चा खराब हो जाए लेकिन चमक खराब नहीं होनी चाहिए। है और मानी भाई मैं तो अब किस्तीर में हुआ, उसके अलावा हमारा रिजल्ट भी आ रहा 14 तारीख। अच्छा तो मैं फिर एक जंग चल जाएगी, तो 1 सितंबर 1965 में लगी थी, 14 सितंबर 2020 को एक सबसे बड़ी जंग लगी। ठीक है, उसके लिए सब लिस्टनर से अपील है कि हमारे लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमारे रहा हाल पे रहम करे। बेटा आपके रहम पे अल्लाह बिल्कुल रहम नहीं करने वाला, तैयारी कर लेनी थी आपने, ये दुआएं नहीं करवाते होते, मेहनत करते हैं पूरा साल देते हैं। वो गाना नहीं लगाया, उनको रिश्वत दी जाती थी जिनकी प्यारी थी, वही वाला काम है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। ये बच्चा जो है ना ये खराब बच्चा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रबिया इमरानियन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रबिया। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मानी भाई मेरे तो 17 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मानी भाई तो क्या कैसा फील कर रही थी जब जा रही थी? मानी भाई खुशी तो बहुत थी, लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल था, कभी एक जगह पे जाने कभी दूसरी जगह। हाँ मैं इसी में बात करना चाहता था, रूटीन खराब हो गई है सबकी ना, मतलब अब हम जो सुबह 7 बजे उठा करते थे हम तो खैर कभी भी नहीं उठे। सही रोना आता था, बाकी अम्मी लोग सोए होते और मैं जब जाती थी, मैंने कहा काश मैं भी सो जाती, पर क्लासेस भी लेनी थी ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक्साइटेड थी या दिल नहीं कर रहा था उस टाइम? नहीं एक्साइटेड तो बहुत थी ना, क्योंकि इतने महीने घर के काम ही किए, कुछ मिले ही नहीं है, बाहर जाके थोड़ा माइंड चेंज हो जाता। लेकिन स्कूल जाने में एक्साइटमेंट थी क्या? हाँ मानी भाई बहुत, मतलब दोस्त एक्साइटमेंट थे, टीचर्स से मिलने का शौक था या ग्राउंड में जाके खेलने का शौक था? फ्रेंड्स से मिलने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैंने भाई कोरोना था और मम्मी अबू बाहर जाना भी नहीं थे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच रबिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। पिशावर से रबिया दीजिए हमारे साथ, और इस बेचारी की तो 17 अगस्त से यानी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? माया बात कर रही हूँ। नहीं सॉरी अतिया बात कर रही हूँ। अच्छा माया बात कर रही है, सब माया है जी। नहीं सॉरी अतिया बात कर रही हूँ। ठीक है अतिया बात कर रही है, इन्होंने गुर्दा अतिया किया था कुछ अर्सा पहले, कैसी हैं आप अतिया? नहीं मैंने गुर्दा नहीं अतिया किया, मैंने अपनी ईगो अतिया की है। ठीक हो गया, तो अब मुझे ये बताएं आप कौन सी क्लास की तालिबे इल्म है? थर्ड ईयर की। अच्छा थर्ड ईयर की हैं आप, माशाल्लाह तालियां। तो क्या पोजीशन है आपकी जाने की? मैं कहती हूँ बहुत खुशी हो रही है कि कॉलेज ओपन हो रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख भी है कि हमें प्रमोट नहीं किया गया। क्या किया? प्रमोट नहीं किया गया। अच्छा जी, तो मतलब आप है तो एक्साइटेड ना जाने के लिए? जी बिल्कुल, फ्रेंड्स से मिलेंगे मतलब अच्छा फील होगा, लेकिन आई विश कि हमें प्रमोट करते हैं। ठीक है तैयारी नहीं है। चले जी अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है जी इस टॉपिक के अंदर, हम बच्चों से पूछ रहे हैं। जी जी सुना है। मैंने कहा कि मैंने ना मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें SBI। आपकी फ्रेंड क्या? मैंने बोला मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें SBI। अच्छा FB पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं, ठीक हो गया जी, जो हुक्म आपका अभी के अभी करते हैं। ये देखे ठक हो गई, अगर ना किया तो क्या देखिएगा? नहीं देख लेंगे, बाद में भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है अब। हमारी बेनाई अभी जो है वो बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? मैं
लासानी आ गई है गुजर खान से। संगे लासानी संगे मानी जाखेम बोलते हैं मुझसे सीखो पश्तो सीखो मुझसे जाखेम संगे। अच्छा आगे बस इतनी मुझे भी आती है, मैंने भी आधा किलो खरीदी थी कहीं से। आज तो आपकी आवाज में लोरी दे रही है, शरीर की समझे एकदम नींद आना शुरू हो गया। अच्छा ठीक हो गया, तो आप जा रही हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं तो बैचलर्स कर रही हूँ, मुझे मौत पड़ रही है क्योंकि ना बस कुछ भी नहीं रह गया, मेरे एग्जाम शुरू होने लगे। अच्छा जब ये कोरोना सीजन शुरू हुआ तो मेरे एग्जाम्स कोई 5-6 दिन रह गए थे होने में। अच्छा आप मेरी प्यारी थी, मुझे सब कुछ भूल चुका है। आपके लिए तो कोरोना फिर ब्लेसिंग बन के आया ना, ऐसे पेपर उड़े और चले गए हैं। नहीं ना तब सब तैयार था, मुझे एक लफ्ज नहीं याद है, मैंने दोबारा बुक्स भी नहीं खोली। अच्छा आपने तैयारी की थी? सब की थी। ओए होए लड़की के साथ जाती हुई जी खान साहब, इसको भी पास किया जाए। हाँ तो और क्या। अच्छा सारे तो? अच्छा सारे के सारे बच्चे क्यों नहीं आते, कहते पास कर दे इस दफा भी, मतलब रो तो हो गई पास हो जो। अच्छा एक्साइटेड हो वैसे दोस्तों से मिलने के लिए वहाँ जाने के लिए? पेपर्स की मौत पड़ी हुई है इस वक्त, तो मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, उनसे बात वैसे भी हो जाती है वीडियो कॉल से। चले अपना ख्याल रखिएगा। आप बहुत शदीद अकी हुई लड़की है ये इस टाइम पे, इसका कोई दिल नहीं कर रहा जाने को किसी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये सारे बच्चों की यही सिचुएशन, आज का टॉपिक रखने का मेरा बेसिक मकसद ये था कि सारे बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हमारे भाई। मैं अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फुरकान बात कर रहा हूँ शेरकोट से। फुरकान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ, हमने पढ़ लिया, जो पढ़ता था वो पढ़ाते हैं। अच्छा खुद पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। टीचर हैं आप? मैं टीचर हूँ सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में टीचर हैं, माशाल्लाह वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? फिर से पूछते हैं सारे जरा बच्चे मिलके पूछो, सर कैसे हैं आप? अब जब बच्चे आएंगे हम पूछेंगे बच्चों से आप कैसे हो। अच्छा वैसे क्या पोजीशन है, मतलब क्या क्या माल तैयार किया हुआ है? ये तो बच्चे आएंगे पता चलेगा वो क्या क्या माल लेके आए, उसके मुताबिक माल बनाएंगे। अच्छा सरकारी स्कूलों में अभी भी मार पड़ती है? नहीं बस अब वो थोड़ी थोड़ी कभी कभार कोई छोटी मोटी हो जाए तो। छोटी मोटी हमारे चला गया सर, हमारे वक्तों में तो छोटी मोटी भी इतना बड़ा डंडा होता था और उसके ऊपर टेप भी चढ़ती थी, मतलब खास तौर पे एक बच्चे को स्पेशल ड्यूटी लगती थी कि तुम्हारे घर में कौन सा दरख्त है, वो बताता था सर ये है, उसमें से कहते थे जो बड़ी सी स्टिक है वो लेके आनी है, और उसके बाद दूसरा बच्चा होता था उसका काम होता था घर से टेप लेके आना, और पूरा दिन बैठ के डिजाइन बना के टेप चढ़ाता था, और हमें शुरू शुरू में पता नहीं होता था ये पढ़ते भी हैं, तो बाद में पता चला ये तो अपने लिए तैयार करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही, हमने भी इसी दौर में हमने भी प्राइमरी स्कूल में जब अपने गाँव में तो हमारे साथ सेम यही सीन होते रहे हैं। हम तो बस ये था कि पांचवी यही था कि रिजल्ट मात्र साल को चार बिस्कुट वगैरह करार करूँ के हो जाते थे, लेकिन छठी में जाके एबीसी याद करनी पड़ी थी हमें तो। अच्छा वैसे कभी बच्चों को नकल करवाई है जी? बच्चों को कभी नकल करवाई है आपने? नहीं मैंने बच्चों को नकल नहीं करवाई, अगर वो कर ले तो बस फिर कर ले, मतलब उसकी हिम्मत है। चलो कर ले, क्योंकि मैंने एक दो मरतबा बल्कि चार मरतबा मैं बोर्ड का एग्जाम ले चुका हूँ। अच्छा मैं जमीन हूँ तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मुझसे किसी से ज्यादती ना हो जाए। सर बस आपसे हमें मोहब्बत होगी, अपना नंबर दे दीजिएगा, एग्जामिनर आदमी है काम ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप सुनाए कैसे जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच आप मेरे प्रोग्राम। बाद मैंने तकरीबन दो हफ्ते हो गया, मैं को जो है रिट्यून किया मैंने दो हफ्ते से, रूटीन से मैं सुन रहा हूँ डेली। सर बहुत शुक्रिया, आपका फर्स्ट शो है आज मेरे लिए। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बहुत अच्छा लगा। जब भी टीचर्स आते हैं मेरे प्रोग्राम में, एक एक दो टीचर ऐसे भी है जो आते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कॉल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलमा मुल्तान से। सलमा मुल्तान से बात कर रही है, कैसी हैं सलमा आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमा। तो आप भी पढ़ती हैं? हम पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं? बहुत मार खाई। अच्छा मुझे दो बातें कहनी थी, जी जी। एक तो ये आरसी
ऐसे ही ना लिखते हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं, ये इनको खुद को नहीं बातें आती करनी। कभी से कभी शो इनका सुन के देखे, इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। अच्छा, एक सेकंड सारे ना कौवा चला हंस के चाल अपनी भी बोल गया। असल में उसे मैम सदम ने रखा ही इसलिए पूरी कॉपी करता है। और दूसरी बात कहना, 1200 वाले शो तो ठीक है, उससे म्यूजिक चल जाता है, और जो 2 से 4 बजे तक वाले शो ना वो इसलिए। चले सलमा, हम ऐसी बात नहीं करेंगे ऑन एयर। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिगर आदमी है, कॉपी करता है तो यार की करता है ना, क्या मसला है, होने दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जनीन निवासी बात कर रही हूँ। जनीन निवासी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मरी से। मुंह से बात कर रही हैं आप? ओह यस, फोन से भी। आपको मतलब इतना ही नहीं पता आप मुंह से बात करती हैं? बचपन से लेकर आज तक आप बातें करती हैं? नहीं ना, आपने बता दिया ना। बस देख लें, आप टीचर हैं? हाँ जी। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। नहीं नहीं, खराब करने वाले नहीं, अच्छे वाले टीचर। जी जी, मुझे पता लग गया, लोगों को भी पता चल गया, ऐसी बातें बताते नहीं होते। चले आपने बता दिया ना। अच्छा, तो आप एक्साइटेड है जाने के लिए? बहुत ज्यादा। आप लोग तो जाने के लिए एक्साइटेड ही हो गए, डंडे तैयार करके लेके जाएंगे। बच्चों बेचारों से पूछ रहा हूँ मैं तो। हमसे भी तो पूछे ना, हम भी तो बहुत एक्साइटेड हैं कि जाएं। शुक्र है लोग तो इतने दिन से मेरे हाथ इतने दिन से मेरे हाथों में खारिश हो रही है, किसी को कुछ नहीं कहा मैंने, है ना? ये भी है। ये घर में जो पागल हुई लड़कियां, ये कोरोना सीजन में आधी से ज्यादा पागल हो गई टीचर्स। बहुत ज्यादा, आधी से ज्यादा क्या, मतलब पूरा पागल हो गई। ठीक हो गया, तो टीचर भी वैसे आज के शो में वेलकम है, सारे के सारे जो भी है मुझे कॉल कर सकते हैं। जी, आपके क्या एहसास है कॉलेज स्कूल खुलने के? आपने बड़ी छुट्टियां मनाई है वैसे। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो क्या किया आपने छुट्टियों में ऐसा? मैंने तो टोटली सोशल मीडिया, आपका ग्रुप, अपनी 7 आइडिया ब्लॉक करवाई। अच्छा, 7 आइडियाज ब्लॉक करवाई, माशाल्लाह। ये लड़की बहुत फेक आइडिया बनाती है। नहीं नहीं, एक ही बना बना के वो बंद हो गई है। अच्छा, क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मतलब आप मारने वाली टीचर हैं या प्यार वाली टीचर हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किसी टाइम पे मार भी और किसी टाइम पे प्यार भी, दोनों। बस ऐसी टीचर का दोबारा मेरे शो में फोन नहीं आना चाहिए। नहीं मतलब अब देखिए, मार भी तो जरूरी होती है और प्यार भी जरूरी है, ठीक है? दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके लिए फिर मार जरूरी हो जाती है। आप सीधा मेरा नाम क्यों नहीं ले लेती? नहीं नहीं नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। मैं मानी तो बच्चे ही खराब है। अच्छा, हाँ सही बात, आप मार वाले बच्चे हैं। चले, ख्याल रखे अपना, है ठीक है, किसी से कुछ चीज लेके नहीं खानी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ऐसे सारी एहतियात करनी है SOPs की पूरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मनी भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मैं नासिर अब्बास बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। नासिर अब्बास, कैसे आप? ये ठीक ठाक सर, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं, लगता है मेरे स्टूडेंट कम सुनते, टीचर ज्यादा सुनते। अच्छा, तो कैसी तैयारी है जनाब आपकी? कुछ चमक शमक तैयार कर ली आपने? नहीं, नहीं सर, मैं जालिम नहीं हूँ, मेरे पास छोटे बच्चों की क्लास है। अच्छा, छोटे बच्चों की क्लास है। कौन सी, कितने, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर नर्सरी का भी पीरियड लेता हूँ और प्रेप का भी। ठीक है, मेरे पास मतलब बेसिक जो वो कहते हैं ना, पौधे को जो पानी दिया जाता है वो आप देते हैं? जी जी, इंशाल्लाह, प्यारे बच्चे हैं, अच्छे हैं, मेहनत कराई जाए। तो SOPs का जो है वो ख्याल किया जा रहा है, मतलब बता दिया गया सबको? जी जी बिल्कुल जरूर, SOP तो प्रायोरिटी है ना। अच्छा, मुझे तालीमी इदारों के SOPs पे ना बड़ा एतराज है, उस पर लिखा हुआ था एक दिन बच्चे आएंगे एक दिन टीचर आएंगे। जी सर, वो होता है कुछ ऐसा, लेकिन वो अभी सही अभी वो नहीं है ना सर। ऐसा कैसे हो सकता है एक दिन बच्चे आए और एक दिन टीचर आए? एक दिन बच्चे आए और एक दिन टीचर को पढ़ाएगा कौन? वैसे ये SOPs होने चाहिए, क्यों बच्चों ऐसा वैसे होना चाहिए? अच्छा, एक मैं आपको शेर सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी, आप शेर सुनाए, गिद्दड़ सुनाए, हिरन सुनाए, आप उस्ताद है, सुनाए। अच्छा, मैं आपको चलें वो सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो मुझे सोचता होगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि वो मुझे सोचता होगा, फिर सोचता हूँ मैं, क्या सोचता हूँ मैं। आए सर, एक काम करो ना, तुसी जी कराओ ना जी, दो गल लैने टैक्स ला दा पता।
जी 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 उथे मेंटल हॉस्पिटल एक बंदे तो तुसी पुराने मालूम होने अपना बहुत सारा ख्याल रखे आप, थैंक यू सो मच। जितने टीचर्स मुझे कॉल कर रहे हैं आप लव है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं लाइव बनूर की हाल कर लिया कुड़िए। आई एम फाइन। अच्छा की हाल कर लिया कुड़ी? आई एम फाइन। हाल तो ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस फारिग रह रहे के बहुत ज्यादा फारिग होने की आदत पड़ गई। अच्छा तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे, सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कर रही थी तो लॉकडाउन हो गया। अच्छा सेकंड ईयर की कर रही थी जी, अब यूनिवर्सिटी आगे एडमिशन लूंगी ना। मतलब अच्छा वाला डकार मारने लगी थी एफएससी का आप है? जी साथ ही जो है ना, पता मैंने एफएससी की है। ऐसे ही तुक्का ही मारा है। अच्छा मैं वैसे नजूमी था पहले, पिछले टाइम में ना 80s में मैं नजूमी हुआ करता था। अच्छा। बाद में बहुत मार पड़ी एक दफा मुझे, मैंने छोड़ दिया। तो आप कुछ वो वाली नजूमी नहीं है जिसने 3 गांव में फसाद डलवाए थे? नहीं नहीं मैं वो नजूमी हूँ। एक बंदा आया ना, एक बंदा बैठा हुआ था ऐसे, वो कह रहा मैं नजूमी हूँ। मैं गया उसके पास, मैंने जाकर 3-4 मारे उसको है। तो उसने कहा भाईजान क्यों मार रहे हो? मैंने फिर मारा। उसने कहा भाईजान क्यों मार रहे हो? मैंने फिर मारा। उसने कहा भाईजान क्यों मार रहे हो? मैंने कहा तू नजूमी है, तुझे नहीं पता आज मार पड़नी है। चले और कुछ कहना चाहेंगी आप? आप पूछ सकते हैं, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं कहते हैं आप, वैसे ही कह दे। फैसलाबाद वालों के सामने हमारी क्या जरूरत है कि हम कुछ कहते? नहीं नहीं हम बहुत स्वीट लोग होते हैं, हम कोई लड़ाके थोड़ी होते हैं। नहीं नहीं आप स्वीट होते हैं, आप स्वीट नहीं होते, स्वीट होते हैं। आप क्यूट नहीं होते, आप क्वीट होते हैं। आप ब्यूटी, आप ब्यूटीफुल नहीं होते, आप ब्यूटीफुल होते हैं जी। हमारी उर्दू और इंग्लिश पंजाबी नर्सी होती है। हाँ जी मिलती जुलती है ना, बहन भरा ने इंग्लिश से उर्दू, बिकॉज वी आर प्योर पंजाबी। हाँ ख्याल रखो अपना है। ओके यू आर आल्सो, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ठंडा ग्लास पानी का पीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन कहाँ से? जी मैं अपना शहजादी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कौन सी शहजादी बात कर रही हूँ? अफशा शहजादी। अच्छा अफशा शहजादी बात कर रही है। राजपूत भी। अच्छा राजपूत भी है, शहजादी भी है, कार ज्यादा ना करशैद हो ना? पता नहीं। अच्छा तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने पढ़ भी लिया और मैंने पढ़ा भी लिया। अच्छा पढ़ भी लिया पढ़ा भी लिया, तो मतलब आप तो आपकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। क्या कह रहे हैं? मतलब आप तो आपकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होगी, पढ़ा भी लिया पढ़ भी लिया, तो आप अब क्या? पंच में पढ़ाया, पापा ने कहा कोई जरूरत नहीं है हमारे यहाँ ना, लड़कियाँ काम वगैरह नहीं करती या जॉब वगैरह नहीं करती, ठीक है ना। असल में मेरी एज भी कम है, ठीक है ना, और मैंने अपनी एज के मुताबिक सब कुछ किया। अलहमदुलिल्लाह नाच खान भी हूँ, सिंगर स्टार भी हूँ, जो जो बनना चाहती थी ना बन गई हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब बस एक ख्वाहिश है, वो मम्मा पापा पूरी कर देंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं है। क्या ख्वाहिश है आपकी? शादी करने की? नहीं। अच्छा शादी वाले भी सब दो नंबर होते हैं, और जैसे प्यार वगैरह के तो ये सब टाइम पास होते हैं। बस बंदे को ना ऐसी लाइफ चाहिए ना जिसमें खुशी हो, ठीक है ना। और मैंने अपनी खुशी के लिए कभी दुआ नहीं मांगी, अपनी मम्मा और बाकी सब लोगों के पास। अच्छा ठीक हो गया। तो आपको कैसा लगा पढ़ा के? मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को मार पड़ी है। बेटा आपने सबको मारना, प्यार भी करना, लेकिन इतना नहीं कि पैसे नहीं डालना, वो डर के बिना कपड़े लेकर आए, ये करे वो करे, ठीक है ना। कि मतलब जो जो बच्चा मेरे साथ था ना, तो सब ये कहते थे कि मैम आपने टीचर इसे बनाई, इसे हमारी क्लास की बनाई, कोई 5 क्लास का कहता था, कोई 6 क्लास का, कि मतलब मुझे बहुत अच्छा। अच्छा शहजादी पापा की मदद से ना मैंने छोड़ दिया। हेलो पापा की शहजादी बात सुनो, आपने जब कहा ना कि मेरे साथ जो बच्चा भी रहा, मुझे लगा ये कहने लगी मेरे साथ जो बच्चा भी रहा 2 महीने में PhD कर गया। नहीं नहीं अच्छा। जो मेरे साथ की बच्चे दादा करते हैं ना, असल में ना मुझे लगते इतने अच्छे लगते हैं, और कोई को मुझे इतने ऐसे लगते हैं, मेरे दिल करते कि मैं मारती जो 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 मार
देखे हमने देखे हमने देखे हमने मान लिया आप शहजादी हैं। ख्याल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, आप भी टीचर थी। अस्सलाम वालेकुम जी, बच्चे कहाँ चले गए, टीचर आ गए सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सोते सोते कॉल कर लिया आपने। हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूड? डूड माँ सदके जाए, डूड कितने रह गया ऐसा डूड तू? पता नहीं, बस आप पहुंच गए सही जगह। आखिरकार तुम वापस आ गए डूड। हाँ जी आ ही गया हूँ। अच्छा डूड, मैंने सुना है वहाँ पे दूध की दुकान खुली है लाहौर में। मानी भाई आपको हर दफा बताता हूँ, फिर आप दूध की दुकान पे आ जाते। किधर जाना है, और चीज की खोल ली है किसी की? नहीं मैं दुकान नहीं खोलता। अच्छा, मैं वैसे ही हूँ बेला। अच्छा ये दुकान लौटता है जी, ये खोलता नहीं, ये ताले तोड़ता है। अच्छा जी, तो कोई बात करें तो कौन सी क्लास में हो फिर? मैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा फर्स्ट ईयर में हो, तो सेकंड ईयर में कब जाओगे? सेकंड ईयर में मनी बैग कसम जाने का कोई दिल नहीं। नहीं दिल नहीं है बेटा, तैयारी होती है जाने की। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है, एक लफ्ज भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है, दिल भी नहीं है, बस अब्बा के पैसे जो है ना वो जाया करने का प्लान है इस लड़के का। तो कॉलेज का रास्ता भी भूल गया। अच्छा कॉलेज का रास्ता भी भूल गया। अच्छा मनी भाई, मैंने एक एसओपी पढ़ी थी कि टीचर ने मेकअप करके नहीं आना, हमारी बायो की मिस को देख के हमें हार्ट अटैक आ जाना। अच्छा बायो की जो टीचर है वो बहुत मेकअप करती है? मेकअप करके भी वो डरने लगती है, मेकअप के बगैर तो। अच्छा मेकअप के साथ भी डरोनी लगती है। उन्होंने ना कली बार उन्होंने रखा हुआ है, जब कोई बच्चा कुछ गलत काम करता है ना उनके सामने पेश कर देते हैं। अच्छा। देख के बंदे का काम हो जाता है। ठीक हो गया, तो जाने के लिए एक्साइटमेंट कोई नहीं है कॉलेज है? बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बस में हो तो बिल्डिंग ही गिरा दो है। बिल्डिंग क्या, मैं पूरा एरिया गिरा दूं। जाएगा ना बहुत अके है, स्कूल छुड़ाओ किसी काम पाओ इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो शहीद डूड। थैंक यू, ख्याल रखना है। नेक्स्ट कॉलर जी शहीद चाह रहे जी, बिल्कुल मैं एरिया ही जो है ना वो गिरा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? साइमा बात कर रही हूँ राहुल जी। साइमा आपकी उम्र के तो गाड़ियों के मॉडल आना बंद हो गए हैं। अच्छा नहीं मनी भाई, मुझे एक बात बताएं। हाँ। हम गरीबों का क्या कसूर है जब उनकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खत्म हो चुकी है, क्या हम दोबारा एडमिशन ले लें आपके फॉर्म में शामिल होने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही आप एडमिशन ले, पढ़ते क्यों नहीं है, कहते हैं गोद गोद से गोर तक जो है वो तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। ठीक है तो आप अभी तो गोर, अभी गोर तक तो आप नहीं पहुंची है, अभी तो गोद से निकली हैं आप। नहीं मनी भाई, मुझे नहीं पता था कि कोरोना होना है, वरना मैं भी अपनी पढ़ाई लेट कर देती है। अच्छा। एक एक क्लास में दो दो तीन तीन चार चार साल लगा देती। वो आगे भी आपने वो आपकी तरह तो नहीं होता था। नहीं वो आगे भी आपने तीन तीन चार चार साल ही लगाए हैं, लेकिन आप ये बताएं एक्चुअल एज कितनी है आपकी? अभी तो मैं 16 साल की हूँ। हाँ 16 साल की, कैलकुलेटर में हो गया रहते। हाँ मानी भाई, आप जिस दिन बड़े होंगे मैं भी बड़ी हो जाऊँ। नहीं मैं तो अभी 13 साल का हूँ ना। लेकिन मनी भाई अभी भी ना मतलब कुछ न्यूज सुन रही हो ना, तो अभी भी हम लोग कितने खुश हो रहे हैं। ठीक है अल्लाह करे कि वहाँ, लेकिन मैंने जो अभी मेरी भाई से अपने बात की तो वो कह रहे हैं यूके में ये चीज दोबारा आ चुकी है। देखे यूके में, मैं मजे की बात बताता हूँ, आपके भाई के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूके में चीज गई नहीं है अभी तक, अभी तक वहाँ से गई नहीं है। ये तो हमारा तवक्कल था, ये तो हमारा अल्लाह पे भरोसा था, जो ये यकीन था अल्लाह पे जो ये खत्म हुआ, वरना इंसानों के बस की बात ही नहीं है। अभी कनाडा को देख ले बंद पड़ा है, अमेरिका को देख ले बंद पड़ा है, यूके को देखे फिर बंद कर रहे हैं। मलेशिया हो गया इस मुल्क में जो सारी है, तो मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करें। मतलब बड़े जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के लोग, वो बच्चे तो नहीं है उनको तो पता है, लेकिन छोटे बच्चे काफी हैं। अच्छा हम जाएंगे, एक शरारती बच्चे को मैं जानता हूँ, ठीक है, अभी जिस दिन ऐलान हुआ है कि जो है ना क्लासेस खुल रही हैं, उस दिन से वो बच्चा जानबूझ के खांसी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। है। ये जो डूड जैसे बच्चे होते हैं ना ये, हाँ डूड जैसे बच्चे डूड जैसे हो गए, चीकू जैसे हो गए, जो तो भी। और आपको पता है उस्मान भाई ने भी अपना नाम स्ट्रॉबेरी रख लिया। अच्छा स्ट्रॉबेरी,
एटा तो स्ट्रॉबेरी है। और अभी एक कॉलर आई थी, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमको कोई आरजी अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज हम उसको सुने, इस तरह होने की किसी भी आरजी उसके बारे में ना इस तरह बात नहीं करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, साइमा की बात से मैंने आज तक जिंदगी में इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन इस बात से लाजमी करूंगा। और जिसकी आप बात कर रहे थे वो वाकईतन मेरा दोस्त है, और मतलब ऐसी बात ना करो, मुझे पता है कितना अच्छा है। नहीं मानी भाई, सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं, मानी भाई आपके बारे में भी कहा जा रहा था निशान भाई के प्रोग्राम में ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है अगर हमको आर्टिस्ट कोई जबरदस्ती तो नहीं कि आप उसको सुने, ठीक है, तो वैसे ही दोस्त है मेरा, तो अगर उसके बारे में आप कह रही हैं तो गलत, मैंने इसलिए कॉल बंद कर दी, मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात जो है मैंने पहले सुनने की कोशिश की लेकिन वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी कॉल, इसलिए मैंने काट दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप, बस आपकी दुआओं पे जिंदा हूँ जी। अल्लाह करे आपको हिदायत आ जाए। अल्लाह हाफिज़ जी, आपको तो नहीं आई 7 साल में। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो जी, ये भी वैसे मेरे रेगुलर कॉलर है मिस्टर टूटू। वालेकुम सलाम, कौन कहा से? चीकू। कैसे हो वाली भाई? चीकू अभी वो कहते हैं ना शैतान जो होता है ना उसको याद करें तो शैतान आ जाए। नहीं अल्लाह दे बंदे, तेनू मैं जन्नत दा ऐलान कर छड़िया, तू एडा से मैंने सुनाई तो बर्दाश्त नहीं होगी। ये बताओ एक्साइटेड कैसे हो? नहीं बताओ ना, एक्साइटेड हो नहीं हो? मेरे पास जो है ना, तो मैं जिस तलीमी इदारे की मैं जाना ना, तो बुलडोजर भेज दिया। अच्छा ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, चले ये तो शुगर है, मजाक है, हम फन कर रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन ये अंदर के जज्बात निकल रहे हैं इन लोगों के। नहीं मैं वैसे सीधी बात बताऊंगा, मैंने जो है ना जब टाइम मैट्रिक करके छोड़ दिया होगा। अच्छा, एक तो मैंने घंटा किस किया था, उसके बाद मैट्रिक करके छोड़ दिया। बस ठीक है, जब छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, हम नहीं मुड़ के देखते। नहीं हम मुड़ के देखते ही नहीं है, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखो। चीकू थे जी हमारे साथ, चीकू जो है वो भी पढ़ाई की तरफ गामजन है, अल्लाह इन्हें ले ही जाए मंजिल पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन कहाँ से? मानी भाई मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ, फातिमा बात कर रही हूँ, डी ए टीम इस्लामाबाद से। फातिमा कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो, आपके मैसेजेस मैं हमेशा पढ़ता हूँ, माशाल्लाह आप कंजूस लड़की नहीं है। यस यस मानी भाई, थैंक यू सो मच मानी भाई, हम सारी कजन आपका शो सुन रही हैं, और मेरी कजन आमना की आज बर्थडे भी है, तो आप इसे विश करें। आमना मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी ते मनी 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 मोर। और मेरी सिस्टर मेहर से भी बात करें, उसका भी मैसेज में नाम होता है हमेशा। चले करवा दे बात जी, आज इतने अरसे के बाद इनके मैं सिर्फ नाम पढ़ता था, आज इनसे बात हो रही है। यस मानी भाई, चले करवाए मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे वाली भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आप लोग मुश्तरका पैसे इकट्ठे करने के बाद मैसेज करती हैं, एक ही मैसेज में 5 नाम लिख के भेज देती हैं? नहीं हम जब इकट्ठे होती है तब। जी जी, हम जब इकट्ठी होती है ना सारी कजन करती हैं। अच्छा, शेयर करके करती हैं, मतलब 14 रुपए का मैसेज अगर 5 पे तकसीम किया, ये तो आप 1.5-1.5 रुपया लगाती है मुझमें। अच्छा, मुहब्बते तो ऐसे बिखेर रही होती है जैसे इन्होंने 2 लाख रुपया लगाया। अच्छा तो आप लोग जा रही हैं स्कूल फिर? नहीं मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा आप पढ़ाती हैं, माशाल्लाह। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? मैं आरएम के बच्चों को। किनके? आरएम के बच्चों को। ठीक है, तो मारने वाली टीचर है या प्यार वाली टीचर है? प्यार वाली। अच्छा प्यार वाली है। अच्छा ऐसी टीचर्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी छोटे होते हुए, मतलब वो बच्चे को चांटा मार के भी उनके अपने हाथ में दर्द होता हुई। अच्छा वैसे ना टीचर ना सिलेक्ट करते हुए ना जो मैनेजमेंट है उनको ये देखना चाहिए नाजुक सी हो, मतलब हिले भी तो टूट जाए। एको जी टीचर रखो ताम सड़ा मुस्तकबिल ठीक होना बच्चा, नहीं तो बहुत रोला। अच्छा, इनसे भी
बात करेंगे, मैं मुन्ना भी कह रही है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में भी मार पड़ती है बच्चों को? नहीं नहीं, हम तो नहीं मारते, मुझे नहीं पता। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, ये मानते मानते भाग गई है ये लड़की कि हम मारते हैं, और साथ ही इसने फोन बंद कर दिया। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मैसेज किया 4471 पे, लेकिन अभी तक उनका नाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका। सो मैं जल्दी जल्दी से लोगों के नाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूंगा। राज मोहम्मद जी पिशावर से मैसेज कर रहे हैं जी, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा ठीक हो गया। दनीन है जी, न्यू इमरानियन है, उन्होंने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी अपना पर्सनल नंबर सेंड कर दे, कहाँ सेंड कर दूं मेरी बहन, क्या करती हैं आप, क्या मांग रही हैं आप। अच्छा जी, इज़्ज़ा खलील है इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है भाई मेरी कॉल नहीं मिल रही, क्यों? अब इस क्यों का इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, हुमा जोही इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है आई मिस यू मानी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मां सदके जी। अच्छा जी, FM का कॉलिंग नंबर प्लीज दोबारा से बता दे, 1111001, यानी 1100101 का एरिया कोड है इस्लामाबाद का, ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल पहुंच जाएगी। अच्छा जी, मारिया ने गुजर खान से मैसेज किया, आबिद शाह मैसेज कर रहे हैं हरिपुर से, कह रहे हैं पश्तो ट्रैक लगा दे, मैंने आगे ऑलरेडी चलाया है जनाब। और टॉम एंड जेरी जो है उन्होंने मैसेज किया, मानी भाई कैसे हैं जी, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आशी खान है टोबा, अच्छा एबटाबाद टोबा से मैसेज कर रही है, कह रही है कि आप मुझसे भी कंजूस निकले, आपने तो मेरा पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ा है। तो फिर ऐसा तो होता है, फिर ऐसे कामों में है, बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे केस होते रहते, सुकून करें। अकील काजी रावलपिंडी से मैसेज करें, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम आपका शो रोज सुनता हूँ, और आज पहली दफा टेक्स्ट किया, कंजूस आदमी। अच्छा जी, सैयद नासिर अब्बास हैं जी रावलपिंडी, चक्री से मैसेज कर रहे हैं, वैसे खुद भी ये चक्री हैं थोड़े से, लेकिन ये चक्री से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे जी लाजमी मेरी प्रेजेंट लगाइएगा और मेरा मैसेज लाजमी शामिल कीजिएगा। फैसलाबाद से लाइबा नूर मैसेज कर रही, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, शो ऑसम है, सुपर्ब आज, शुक्रिया। हया ने मर्दान से मैसेज किया, कह रही है कैसी हैं, कैसी हैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा जी। सारा इमरानियन लाहौर से मैसेज कर रही है, कह रही है जी प्लीज पूरा मैसेज रीड कीजिएगा। और मानी भाई आज तो आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे लग रही है, बहुत अच्छा जा रहा है शो आपका मानी भाई, आज तो मैम ने सच मैंने सच पकड़ ही लिया, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस का, कह रही जी आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है ऑनलाइन क्लास में। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में भी बेइज्जती होती है, ये तो मुझे नहीं पता था वैसे, क्योंकि हम पुराने वक्तों के पढ़े हुए हैं, ठीक है मैंने पढ़ाई की थी 1942 में, बहुत पुराना हूँ मैं। अच्छा जी, माहीन मैसेज कर रही है, कह रही है डीजे बात सुने ना, सुनाए ना। हुमा जोही फिर से मैसेज कर रही है, इनामुल हक ने मैसेज किया, सफीना मैसेज कर रही है मुल्तान से, जरमीन ने मैसेज किया, अजीम इकबाल हरिपुर से मैसेज कर रहे हैं, आयशा बेवफा है दुलतारा से मैसेज कर रही है, मुझे पता है जी आप बेवफा हैं, बताने की क्या जरूरत। चकवाल से वसीम मैसेज कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से, कह रहे हैं जी क्या हाल है मानी भाई, बिल्कुल ठीक, शहीर द लाहौरी बॉय मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, फरवा सैयद है जी, उन्होंने हरिपुर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई कैसे हैं, मैं वैसे ही पुराना खराब। इकरा इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है थैंक यू मानी भाई पश्तो सॉन्ग प्ले करने के लिए। माहीन ने मैसेज किया, कह रही है चाचू आज गेम होनी चाहिए, कैसे गेम कर दे, गेम तो आज हो गई, आप सब बच्चों के साथ हुकूमत ने गेम कर दी। अच्छा जी, जुलकर नैन चन्ना है मैसेज कर रहे हैं,
इस्लामाबाद से नूर ने उनके साथ मैसेज किया। वो कह रही है जी अनम मलिक अतीका इकरा को हमारा सलाम, तमाम सुनने वालों को सलाम। अच्छा जी फैसलाबाद से अनम ने मैसेज किया। उसके बाद जनाब उजाल ने मैसेज किया हरिपुर से। उसके बाद जी मीना ने मैसेज किया कहोटा से। ताहिरा मैसेज कर रही है पिशावर से। असद मैसेज कर रहे हैं चीचा वतनी से। यमुना ने मैसेज किया कहाँ से, यमुना सियालकोट से मैसेज किया। तो जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? मैमूना बात कर रही हूँ। मैमूना कहाँ से बात कर रही हैं आप? डीएटी इस्लामाबाद फातिमा। और मैं पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई थी। आप लोगों ने पैसे सही नहीं मिलाए ना आज? नहीं वो पैसे मेरे थे। अच्छा आपके पैसे ये दोनों खा गई है? जी बिल्कुल ये दोनों खा गई। हिस्ट्री में लिखा जाए, हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि दो कजनों ने मिलके एक कजन का हक खाया। जी बिल्कुल आप इनको डांटे। मैं डांटूंगा इनको, टेंशन नहीं लेनी आपने। कैसे मान भाई? मैं प्यारा हूँ जी, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी ठीक हैं? क्या करती हैं आप जी? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैट्रिक में पढ़ती हैं लड़की, क्या बात है, छा गई हैं आप तो। हैं कितनी से आ गई है? अच्छा तो एक्साइटेड है जाने के लिए वापस, या बस दिल कर रहा है कि रह नहीं दो? वो फिर रह नहीं दो जी। हम माँ सदके जाए होए। बंदा नहीं, नहीं बंदा ख्याली पुलाव बनाए थे, मेवे भी कट पाए हैं। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा मन भाई आपको मेरी सिस्टर सलाम दे रही है आमना। वालेकुम अस्सलाम आमना, जीती रहे हंसती रहे। मन भाई आप जब हंसते हैं ना तो हमारे ख्याल भी ऐसे ही हंसते हैं सेम। अच्छा ये तो मतलब है दो ही चंगा नहीं हंसते। नहीं चंगा हंसती वो भी ज्यादा। ठीक हो गया, ताड़ी गाल मान ली असी, खुश रहो फिर है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। बहुत सारे लोग जड़े ने वेट करने पे। एक ते मी तुसानी जुबान अशनी वे। अस्सलाम वालेकुम। जी भजन आंख खोल ले जरा। अच्छा ए बिस्तरे तो लेटे ने, दो कंबल लाया के उते? दो कंबल नहीं। अच्छा पक्खा चला। अच्छा पक्खा चलाई फिर दे तुसी हैं, किथे रहंदे की थे? पंजाब विच रहंदे हो। ठीक हो गया, तो पढ़दे हो, पढ़ांदे हो, की करदे हो? जी नाइन्थ में। अच्छा नाइन्थ में पढ़ते हैं, माशाल्लाह 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 है। तो किंज गुजरिया फिर छुट्टियां मेरे भरा दिया? अच्छा तो उन की पोजीशन है फिर? उन की पोजीशन है, कोई बुलडोजर लेके जाओगे या खुद जाओगे? अब ही जाओगे। अच्छा तो एक्साइटेड हो जाना से? बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। बंद हो गया है जी? बंद हो जाएंगी। अच्छा बच्चों की भी अजीब जिंदगी होती है, घर में रह ले घर वाले मारते हैं, स्कूल चले जाए स्कूल वाले मारते हैं। और बेटा ये जिंदगी ऐसी है, मतलब ये जो जब तक पीएचडी नहीं करोगे तब तक ऐसे ही है, जिधर जाओगे लाफे ही पढ़ने हैं। नहीं नहीं अगर भी कर लो करो जुटियाँ जरूर पहनी है, लेकिन जो भी कर लो जुटियाँ। जी जी एनजी होता है, एनजी बंदा बाद चाहिए कहता क्यों खाद है। ओके वो नहीं हुंदा है, वो परा परा बकरियां बदियां हुंदियां ने, उत्थे अम्मा फिर के आई हुंदी है। हां जी सलाम, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा जी। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट थे ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी तबीयत कैसी, मिजाज कैसे, मिजाज कैसे, क्या चलन, सांसों की रवानी, दिल की धड़कने को पागल हो गए, नादानियां शरारते, जिंदगी के शबर कैसे गुजर रही है। भाईजान अब तो गुजर गए हैं, अब तो बस आखिरी दिन चल रहे हैं। इन आखिरी दिनों को थोड़े अच्छे कामों में गुजारना इंसान के लिए लाज। अच्छा अच्छा नादान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में पढ़ते हो, तो एक्साइटेड हो जाने के लिए वापस? एक्साइटेड
एक्साइटेड तो हूँ क्योंकि टीचर्स की सोबत में रह के इंसान जरा चेंज चेंज महसूस करता है और उस सोबत से ही सीखता है और उसी सोबत से शुरू की तरफ। नहीं, थर्ड ईयर में पढ़ाई तो यकीनन एक्साइटमेंट नहीं हो सकती ना। एक्साइटमेंट है क्या जिसके लिए जाना चाह रहे हो? क्योंकि टाइम मिलता था, खेलने के लिए टाइम मिलता था, तो इसके अलावा ग्राउंड है कॉलेज में, तो फ्री टाइम होता था, खेलते थे, बॉडी लैंग्वेज। नहीं, वो बात, वो बातें भी ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट का नाम बताओ। तो एक्साइटमेंट से यही थी कि बच्चे के हलक भी नाम फंस गए एक्साइटमेंट का। अच्छा तो मतलब आगे तैयारी है, दिल कर रहा है कि मैं जाऊं जाके पढूं? जी जी बिल्कुल, टीचर के साथ जो रिलेशन है ना वो बरकरार रहे तो इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक ये है कि टीचर्स आप अपना एक्सपीरियंस बात करते हैं। अच्छा एहो जा बच्चा ना पेपर च भी नंबर कटा लिंदा अपने, मतलब छोटी जी गल पूछी होवे ना तफसील दसदा है, टीचर कहंदा 0/0। तमाम सिंगर वाले को मेरी तरफ से सलाम। नहीं नहीं, आज अभी तो मैंने पूछना है तुमसे, अभी तो बहुत बातें रहती हैं। कॉलेज के हवाले से तो मैं पूछ भी नहीं रहा, मैं एक्साइटमेंट का नाम पूछ रहा हूँ। एक्साइटमेंट यही होती है कि बाहर बैठ के। अच्छा, बंदे ने झूठ बोलना हो ना, देखे कैसे अड़ के बोलते हैं। वैसे मानी भाई मस्तियों की नादानियों की ये तो वो है, वैसे तेरी जुबान बोल चलती है। तो दोस्तों के साथ मिल बैठ के जो पढ़ना होता है ना, जी 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 जी, हम रोटी का नवाला नाक में डालते हैं ना, हमें नहीं पता किधर बैठ के पढ़ने में मजा आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलेंगे। 1111001 मुझसे रब्ते का नंबर। जी मेरा नाम मानी है और आज रात मेरा ख्याल है यहीं से महफिल अभी जमेगी, थोड़ी देर के बाद शायरी की तरफ आएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? जी हसन बात कर रहा हूं। सर कहां से बात कर रहे हैं आप? सर कहां से बात कर रहे हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो मतलब हम तो बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, आपके बच्चे हैं? नहीं सर, अभी सिंगल हूँ, अभी शादी नहीं हुई। अभी सिंगल है आप, शादी नहीं हुई, जॉब भी कर रहे हैं, मतलब जॉब वाला बंदा तो सिंगल रहते ही नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी सिंगल हूँ सर, अभी शादी नहीं हुई। ये मतलब बस एक प्यारे हैं, बस उनको राजी कर रहा हूँ, जारी नहीं। अच्छा मतलब तैयारियाँ जारी हैं? जी जी बिल्कुल। बस फिर मुझे बुलाना नहीं भूलना, मेन्यू पहले देना मुझे वलीमे का, ठीक है? इंशाल्लाह भाई, आप पहले होंगे फर्स्ट। बस डन हो गया, इस्लामाबाद में अब कोई भी शादी होगी मुझे जरूर बुलाना, 6 महीने से बहुत शादियां मिस की मैंने। जरूर इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेहरबानी, थैंक यू सर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बेस्ट विशेस। देखें जब मैं सलाम देना चाहता हूँ, आप जनाब वो सुन रहे हैं असेंबली, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे कहा है कि फर्स्ट टाइम ही आज मैंने आपका जो है शो सुना है, तो इंशाल्लाह आगे सुनते रहेंगे। सर जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। ये मतलब बकरा कुर्बानी लग रहा हो या बंदा शादी कर रहा हो, गलत एक ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वैसे ही जी पुराना, अभी तक ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कैसी हैं? वाह जी, कोटली सतिया की मालिक आ गई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं। अच्छा तो आप एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल एक्साइटेड तो बहुत थी, लेकिन एक दिन से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो कल जब पता चला कि नहीं नहीं दो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सिटी में आएंगे, बाकी चार ऑनलाइन होंगे, तो चार असाइनमेंट का दिया है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझी, मैंने कहा छुट्टियों के लिए एक्साइटेड नहीं, आप स्कूल खुलने के लिए एक्साइटेड है। हाँ ना, मतलब छुट्टियों में भी हमें छुट्टियां तो नहीं थी ना, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता था, ऑनलाइन समझ नहीं आता सही से, तो होता है ना हमारा। अच्छा वैसे टीचर किसी भी बच्चे को सुकून से नहीं रहने दिया इन्होंने, मतलब बच्चे बोले कोरोना की वजह से घर बैठे हुए बच्चे, फिर भी ऑनलाइन मतलब घर में बिठा के पढ़ा रहे हैं। हमारी बेहतरी के लिए था ना, देखें टीचर ने बहुत मेहनत की, जो मैनेजमेंट उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की। जी जी, अभी आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेके प्रोफेसर डॉक्टर बन गई है ना, अरे वो ना आगे जाएंगे ना। अच्छा वैसे वही तो रोना रो रहे हैं ना, अभी फिर तो सेकंड सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, मतलब दो सब्जेक्ट के लिए यहाँ से 5 घंटे, मतलब हमें मुझे 5 घंटे
पास, तो दो सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे और बाकी चार घर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहेंगी आप? और बस कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कल नहीं पढ़ते बहुत मिस किया, मतलब ट्यूनिंग करके बैठी तकरीबन 10:30 तक आ पाएंगे। अच्छा हाँ, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। चले थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरा ख्याल है काफी लंबी बातें होगी ना, अब जरा ब्रेक होनी चाहिए। गाना एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी, फिर होगी गपशप, स्टे ट्यून्ड टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी, तो लगा तुम शहर में हो, कहीं एक सांस है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी मेरी खामोशियों को, आप कर दे बयां तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां, एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं ओ रहना कोई पर्दा नहीं होता, मगर ऐसा ना हो जाए वफा के किसी मुकाम पर कहीं तुम ये ना कह दो के चलो अब लौट जाओ तुम, मुझे तेरी तलब नहीं। बताओ फिर क्या करेंगे हम, जीते जी मरेंगे हम, मोहब्बत में मिले जो गम क्या आंसू रोक पाओगे, नहीं नहीं हरगिज नहीं जाना, जुदाई मार जाएगी मोहब्बत हार जाएगी। सुनो मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से, उस पार जाने से। मुहब्बत हो, सकून हो और तुम भी हो जिसमें, आपकी बात कर रहा हूं मैं, कि मुहब्बत हो, सकून हो और तुम भी हो जिसमें, ऐसा ख्वाब मेरी आंखों को उधार दे दो। तो लगा तुम शहर में हो, मुंतजर निगाहें होश गुम, लबों पे ही नाम है पल पल, चलो अब मान जाओ मानी मोहब्बत हो गई तुमको, तुम शहर में हो, कहीं एक सांस है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी मेरी खामोशियों को, अब कर दे बयां तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा। मेरी जिंदगी का हासिल एक तू ही दिल रुबा है, रोज रब से जिसे मांगू तू ही तो वो दुआ है,
हर सहर तेरी फिक्र में, हर शब तेरे जिक्र में, दिल में जो गूंजे चार सू, तू ही तो वो सदा है। मेरी सोच मेरी चाहतों पे मेरा कोई बस नहीं, तू एक अनमोल सी मूरत, तू सबसे ही जुदा है। मेरी जात थी तन्हा, वीरानी आती हर सू, खुलकर जो दिल पे बरसी, तू ही तो वो घटा है। तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता, लुटा दू जिस पे जिंदगी, तू ही तो वो अदा है। एतराफे मोहब्बत जुर्म है, तो जुर्म हूं मैं कर रहा, मानता हूं आज तेरे रूबरू, ये मानी तुझ पे फिदा है। तो जनाब इस एक गजल के, इस एक नज़म के बाद जो है वो हम महफिल की तरफ आएंगे, और वो लोग जो कि हर दफा प्रोग्राम में शामिल होते हैं इस सेगमेंट में, वो जरा आज थोड़ा सा ब्रेक रखें, आज कुछ नए लोगों को चांस दें, ताकि उनमें से भी कुछ अच्छी आवाजें हैं जो कि महफिल लूट के जाएं। तो कुछ लोग हैं वो मुसलसल हर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, सो उनसे माजरत है कि आज जरा हाथ होला रखियो, नए लोगों को चांस दीजिएगा। सो एक नज़म आप सभी के नाम, के तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, हाँ आपकी बात कर रहा हूं मैं, हैंड फ्री लगा के सर हिलाने वालों, कि तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तेरी आरजू हूं तेरे दिल की धड़कन मैं, बरसा था चांद उस तमाम शब, राह हिजर में याद आते हो अब, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूं। तुमने कहा था प्यार में नींद नहीं आती, सोचू मैं यूं ही अक्सर है रात कट जाती, तेरी यादों का समंदर मेरे साथ है जाना, करवटे बदलता हूं कब मैं सोता हूं, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूं। तुमने कहा था ये इश्क एक समंदर है, जिंदगी का हासिल तमाम इसके अंदर है, क्या खो दिया क्या पाया आज तक, फकत यही तो ना जान पाया आज तक, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूं। तो लगा तुम सहर में हो। तुमने कहा था बहार में फूल खिलते हैं, धनक महकती है गुलू में रंग भरते हैं, वीरानी है हर सू पल को भी करार नहीं, हजा ही एक मौसम जिंदगी का पल को भी बहार नहीं, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूं। और वन ऑफ माई फेवरेट के, तुमने कहा था मोहब्बत मोहताज नहीं लफ्जों की, हाँ ये तो कहा था ना, तुमने कहा था मोहब्बत मोहताज नहीं लफ्जों की, ये तो वो साज है जो दिलों की धड़कन में है, फिर भी इनमें रोज तुम्हें सांचता हूं मैं, गजल लिखकर जज्बात यूं ही बांटता हूं मैं, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूं। और आखिरी है कि तुमने कहा था हम सफर हो तो रास्ता कट ही जाता है, सदियों का सफर कुछ पलों में सिमट आता है, ये राज मुझ पर मानी आज तक खुल नहीं पाया, रास्ता वही मंजिल वही साथ कोई चल नहीं पाया, पलट कर देख लो जाना, मैं आज भी तन्हा हूँ, पलट कर देख लो जाना, सब है तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां, एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता नहीं और रहना। जनाब अब हम चलेंगे जी आपकी कॉल्स की जानिब और देखेंगे जी के यहाँ पे जो है वो क्या कोई लेके आते हैं हमारे लिए, बहुत सारे लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे आज के प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानू भाई, क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मोहम्मद हुसैन खान बात कर रहे हैं लाहौर से। लाहौर से कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या सुनाएंगे? अच्छा वो अटक वाला एक भाई प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा अच्छा इस्लामी बातें करते, वो आज नहीं आया तो उसको मेरा दुआ सलाम है, अगर मेरा आवाज सुन रहे तो वो अगर आएगा प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा अच्छा बातें सुनाते, तो उसको मैं ये पैगाम देना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी सेगमेंट जो है वो शायरी का शुरू हो चुका है, इसलिए बाकी टॉपिक बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? तैयबा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। तैयबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सुना रही हैं आप? जी नज़म सुनानी। जी तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, हाँ
बस तुम साथ ना हो तो सांस रुक सी जाती है। तुम ये मत समझना कि हमें तुमसे मोहब्बत है, बस तुम साथ ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम ये मत समझना कि रिश्ता है तुमसे, बस तुम्हारे आँख में आंसू हो तो तुम्हें दुख हो तो हमारी आँख नम हो जाती है। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, बस तुम दिल की धड़कन कुछ भी तो नहीं। वाह, और मनु भाई आपका शो बहुत अच्छा है, मैं सुन रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा कामयाबी आता। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आप लोगों की, सच में कभी कभी मुझे लगता है कि मोहब्बतें शायद मेरी इस्तेदाद से भी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? फिजा खान सियालकोट से। फिजा खान सियालकोट से, जी फिजा आ जाए। जी सर, मैं आपको एक गजल सुनाऊंगी। जी। ये जुदा तुमसे हुए हैं तो किसी से हम नहीं मिलते। हाय हाय। जुदा तुमसे हुए हैं तो किसी से हम नहीं मिलते, कोई हमसे मिले भी तो खुशी से हम नहीं मिलते। वाह। कोई हमसे मिले भी तो खुशी से हम नहीं मिलते, पर अगर पत्थर हो तुम तो आओ बैठो, हम भी पत्थर हैं। अगर पत्थर हो तुम तो आओ बैठो, हम भी पत्थर हैं। अगर हो आदमी तो आदमी से हम नहीं मिलते। वाह। और अपनी जात में सहरा है, हम अपनी जात में सहरा है, सहराओं से यारी है। किसी दरिया समंदर या नदी से हम नहीं मिलते, और हम मुर्दा दिली तोहफे में तुमने ही तो भेजी थी, खिलाफ जो अब जिंदा दिली से हम नहीं मिलते। और फकीरों को फकीरों की रफाकत रास आती है, सखी आए तो कह देना सखी से हम नहीं मिलते। से हुए हैं तो किसी से हम नहीं मिलते, कोई से मिले भी तो खुशी से हम नहीं मिलते। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो, लास्ट टाइम तो आप शो लूट के ले गई थी, आज लगता है कोई फिर आपका मूड बन गया है। जी सर, बस आपकी तरह एक छोटा सा नाम करना चाहती हूँ। अल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम करेगा, आप में बड़ा टैलेंट है। आप याद रखिएगा, ये जो बोलने का अमल है ना, जिस बंदे को बोलना आ गया वो कभी भी मार नहीं खाता। जी सर। ये जो जुबान है ना, जी सर, ये आपको तख्त पे भी बिठाती है और ये आपको फर्श पे भी बिठाती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने तख्त पे बैठना है या फर्श पे, क्योंकि आपको बोलना आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सर, मैंने आपके लिए एक पोएट्री लिखी है छोटी सी, मैं आपको वो भी सुनाना चाहूंगी। चले, अब मिली ये कॉल तो सुना दे। यस सर, तो वो है कि ये है वो पोएट्री। टू 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 टू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? शहीर बात करना, लाहौर से। शहीर, बच्चा ही बदल गया है। इंज लग रहा है कि मैं कुछ जॉन एलिया आ गया साढ़े को। अच्छा, बिल्कुल आ जाए। दुख देकर सवाल करते आए हाय, स्कूल बुला के फिर वापस भेजते हो। तुम भी गाली कमाल करते। आहा। कहीं मिल गए तो पूछ लिया हाल मेरा। वाह। चलो कुछ तो ख्याल करते। आए। दिल में जो उदासियां करती। आहा। जब भी मुझसे सवाल करते। आहा। मरना चाहे तो मर नहीं सकते। आहा। तुम जो जीना महाल करते। ओए होए। अब किस किस की मिसाल दूं तुम, हर दिल बेमिसाल करते। वाह। देकर सवाल करते, तुम भी गाल कमाल करते। वाह। वो शहीर वो शेर है ना कि वो बेख्याली में मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी। हाँ जी। वो बेख्याली में मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी, उसे क्या खबर जो बरसा तो अपने रंग में रंग दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। शहीर ने भी आज अच्छा पढ़ा जी, आज मैं शहीर को अच्छे नंबर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन बात कर रही हैं आप? नबीला। नबीला जी, नबीला क्या सुना रही? जी जी, कवाली मैं सुन भी नहीं रहा। मुकम्मल दो ही गाने पर ये तस्वीर मोहब्बत है। मुकम्मल दो ही गाने पर ये तस्वीर मोहब्बत है।
जो आए तीसरा गाना तो डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए सजा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नियत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तो ईद पर कायम, मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तो ईद पर कायम, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूट जाती है। वाह, जिते महबूब पाना है तो फिर अल्लाह से मांगो, जिते महबूब पाना है तो फिर अल्लाह से मांगो, पूजा पुत की करने में तो किस्मत छूट जाती है। वाह, तो किस्मत छूट जाती है। वाह वाह नबीला, मैं क्या छा गई लड़की आज, आज लड़की बादल बन के बरस गई है पूरे कोटली सतियां पे। ये वो लड़की है जिसने कोटली सतियां में फ्लड लाया सर। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गला इतना क्यों खुला है जी? पता नहीं। आयशा बात कर रही हूँ कोयटा से। आयशा कोयटा से, कैसी हैं आयशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तो क्या सुना रही हैं आयशा आप? गज़ल सुनाऊंगी। आ जाए। ये फखर तो है, ये फखर तो है हासिल, बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। ओए होए, जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अजल से, ये दिल के कवल है कि बुझे हैं न जले हैं। देख कितने सितारे कि सरे शाम ही डूबे, हंगामे सहे कितने ही खुशी ढले हैं, जो झेल गए हंसके कड़ी धूप के तेवे, तारों की कुनत छाँव में वो लोग जले हैं। एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ले, हम गए दिशे दौरान से बड़ी चाल चले हैं। क्या बात। मैं सलाम देना चाहती हूँ अनिला पी को और तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आयशा आप अपने कोयटा से कॉल की है, आज मेरा ख्याल है कोयटा से आप पहली कॉलर थी, वरना कोयटा से हमेशा सबसे ज्यादा कॉल होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोमना बासी सामरी। जी मोमना, क्या सुना रही हैं आप? मैं गजल सुनाऊंगी। जी। कहा था ना यूं सोते हुए छोड़ के मत जाना। मैंने तो जगाया ना। अच्छा जी वापिस। जी जी आजे वापिस। कहा था ना कि यू सोते हुए मुझे छोड़ के मत जाना। सो गई भाई। सर फिर से सो गई अल्लाह की कसम। मैं नहीं सुना रही बस। नहीं नहीं आप सुनाए, आप सो जाए। अच्छा मैं सुना दे, सो जाऊंगी वापिस। जी जी आजे। अब मुझे हंसी आ रही है। नहीं नहीं उठ गई है ना। कहा था ना कि यूं सोते हुए मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं नहीं आपने बताया नहीं था। जगा देना, बता देना, तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है, तुम्हें किस बात का डर था, मैं तुम्हें जाने नहीं देती, हो सकता है कैद कर लेती। अरे पागल, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। अच्छा। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से, ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा, तो तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक जगा देते, मैं तुमको देख ही लेती, तुम्हें कोई दुआ देती, कम अज कम यूँ तो ना होता, मेरे साथी ये हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, मगर मैं खोने से डरती हूँ, मैं अब सोने से डरती हूँ। लेकिन माने भाई आपने मुझे हंसा दिया था। नहीं नहीं आप एक काम करें, आप फिर सो जाए, फिर शुरू करें। आपने मुझे हंसा दिया था, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं सुनाया। बल्कि इतनी अच्छी गजल थी, मेरी मोस्ट फेवरेट गजल है। ठीक हो गया मोमना जी, बस ख्याल रखना अपना है। जी बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखना। सजाद भाई आ गए, ख्याल रखेंगे अभी, मेरा पैंपर भी लेके आए मेरे। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ चले गए सर आप, तो चौदहवीं के चांद हो गए सर। महीने में भी इस दफा बारिश वाले दिन निकलते हैं आप।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको पता है जब मैं टाउन में होता हूँ डेफिनेटली है सर। माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन नूर चढ़ता जा रहा है। नूर है या नूर है? नहीं नूर है, नूर है। अच्छा और कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर, A1 जबरदस्त अच्छा प्रोग्राम सर, बहुत शुक्रिया सर। ये आपने जिस तरह कहा है मुझे लग गया पता। अच्छा नहीं नहीं मुझे वाकई बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज तो, आपको पता है आप जब शो करते हैं तो लोग रोड्स के ऊपर खड़े होते हैं। ऐसा तो है सर, मैं देख रहा था सर रस्ते में आते सारे रोड पे खड़े थे। सजाद भाई सुनाए कैसे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह इज सो काइंड, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो प्रोग्राम चल रहे हैं? प्रोग्राम वैसे तो मेरे तीन है प्रोग्राम, लेकिन लास्ट वीक में यहाँ पे था नहीं, एक प्रोग्राम किया था। ठीक है, मतलब गैर हाजिरियां आपकी भी मौजूद है? अब सब जानते हैं कि जब मैं टाउन में होता हूँ डेफिनेटली आएगा, अदरवाइज अगर नहीं हूँ तो फिर मैं पहुँच नहीं सकता। सजाद भाई की अच्छा एक बात बड़ी क्वालिटी है सजाद भाई की, माशाल्लाह इतना पक्का मुंह करके झूठ मारते हैं। ऐसे लग रहे हैं ठीक हो गया, मजाक करो सजाद भाई, मुझे पता है माशाल्लाह आप जब होते हैं तो आप आते हैं। वो काफी सारी शायरी आई, आपने भी शायरी सुना रहे थे तो उसमें आप वो जैसे नहीं सलीम कौशल साहब है वो कहता है, आपने भी अभी ऐसी एक नज़्म पढ़ी थी अच्छी, बड़ी वेल रिटन थी, और सुनाने वालों ने भी सुनाई तो वो मुझे शेर याद आ गया कि वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है। तो टाइम चला जाता है, बातें याद रह जाती हैं, और वो ऐसी शायरी की बात हो रही थी, वो फिर आपके कॉलर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम साथ-साथ कॉल ले, साथ-साथ कॉल भी लेते हैं क्योंकि लोग जो है वो शायरी सुनाने के लिए कॉल कर रहे हैं। अब सजाद भाई आ गए, अब तो महफिल का मजा ही दुबाला हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? लासानी। लासानी जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लासानी सजाद भाई कह रहे हैं जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलने के लिए कॉल की है ना, मैं बोलती हूँ। किया क्या ऐसा? सजाद भाई कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, वो मैं और अली प्रोग्राम कर रहे थे, इनका फोन आ गया। अच्छा, तो हम मजाक के मूड में थे तो हमने कहा कि ये कोई आपका कारोबारी नाम है, ब्रांड नेम है, तो नाम ऐसा है ना लासानी, बहुत अनकॉमन है, यूनिक नेम है जी। दे हमारे कानों को अजियत आ जाए। मुझे जितनी अजियत चाहिए थी मिल गई है। अच्छा जी, मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं, और कुछ हिचके लम्हों का सुनाया भी नहीं। बेसबब क्यों फिर हुई है सुर्ख आंखें तेरी, शब हिजरा ने अगर तुझको सताया भी नहीं। क्यों करे शिकवा जहां वालों की बेतरदी का, जख्म मक्के तो नया कोई लगाया भी नहीं। जाने किस तरह से वो जान गया हाले दिल, जूमी सी। जाने किस तरह से वो जान गया हाले दिल, मेरी पलकों पे कोई अश्क मिलाया भी नहीं। वाह, फिर खिजा क्यों चली आई है ताकुब में मेरे, मैंने तो गुल कोई जुल्फों में सजाया भी नहीं। जाने क्यों चुपने लगे हैं कान आंखों में, मैंने तो ख्वाब में आपको सजाया भी नहीं। वाह, थैंक यू सो मच लासानी, वेलकम। ख्याल रखना अपना है, किसी डॉक्टर से मिलो जाके ये गजल पढ़ने के बाद। नहीं शुक्रिया। ठीक है सर, एक और कॉलर है सजाद भाई सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मानी भाई? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है भाईजान, आप ठीक हैं? अच्छा ये भाईजान जाग रहे होते हैं, इनकी आवाज़ सो रही होती है। अच्छा हाँ, कौन है, नाम बताएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, नाम है इनका। हाँ जी हाँ जी, और सुनाओ मानी भाई। भाईजान मैंने सुनाई, नाम नाम बताए नाम। हेलो हाँ जी, नाम है जी। अच्छा नाम बताए ना, नाम भाई क्या? मेरा नाम, मेरा नाम है उमर, मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा मुल्तान शरीफ से बात कर रहे हैं, खुद शरीफ नहीं है ये, मुल्तान शरीफ से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुल्तान शरीफ से? जी जी। अच्छा मुल्तान? हाँ जी हाँ जी, शम्मस की नगरी मुल्तान। अच्छा तो भाईजान कोई शेर सुनाएंगे आप? जी जी जरूर जी।
जरा गौर तो कर कब्रों पे जाकर, जरा गौर तो कर कब्रों पे जाकर, वो मट्टी में हीरे मिला देने वाला। वाह वाह, मैं कहता हूँ उमर छा गए हो तुम, तुम्ही पे शायरी खत्म की है मैंने आज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, क्या हाल है? बस ठीक ठाक जी, प्रोग्राम की आखिरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, क्या हाल है? बस ठीक ठाक जी, कौन कहाँ से? अख्तर अब्बास कमालिया से बात कर रही। अख्तर अब्बास कमालिया जी, अख्तर अब्बास सुनाएंगे। राह दुश्वार को तब्दील नहीं कर सकते, ऐ मोहब्बत तेरी तजलील नहीं कर सकते। हाय हाय, उसने तरतीब भला इश्क में कब होता है, आज सरे नौ इसे तश्कील नहीं कर सकते। वाह, तुम कहती हो बिछड़ जाओ हमेशा के लिए, तेरे इस हुक्म की तामील नहीं कर सकते। वाह, इस अधूरी सी मोहब्बत को भुलाना बेहतर है, जिसकी हम मर के भी तकदीर नहीं कर सकते। किस्सा दर्द छुपा रखा है दिल में अपने, हम दया ये सबसे तफसील नहीं कर सकते। वाह, थैंक यू सो मच। और जनाब आज की महफिल जो है यकीनन दो खूबसूरत आवाजें थी। अगर लड़कियों की बात करूं तो फिजा खान ने जो कॉल की, फिजा खान ने तबाही निकाल दी, यानी के परखच्चे उड़ा दिए सबके, खूबसूरत पड़ा। और जनाब उसके बाद अगर हम बात करें तो अख्तर अब्बास जो कवाली से भी कॉल की है, इन पे भी सजाद भाई आपने तीन दफा कहा वाह। तो आज की महफिल जो है अख्तर अब्बास और फिजा खान के नाम हुई। और जनाब बच्चा पार्टी, आज के प्रोग्राम में यकीनन आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि आप लोगों की छुट्टियां अय्याशियों के दिन खत्म हो गए, यानी कि वापस बैक टू स्कूल, और मजे करें, चिल करें। और माशाल्लाह जो टीचर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं भाईजान, सही पतली वाली छमक लेनी है, ये सारे के सारे स्कूल का रास्ता भी भूल गए हैं, तो इनको घर से छमक के साथ लेके जाएंगे। दुल्हन और दूल्हे बना के इनको स्कूल लेके जाइए और इनको बताइए कि तालीम जो होता है वो जेवर होता है। सर जी सर बच्चे भूल गए। मैंने बच्चों से पूछा आज, मैंने कहा तीन ऑप्शंस हैं, स्कूल बंद ही रखे जाए, स्कूल खोल दिए जाए, ये स्कूल तबाह कर दिए। बच्चे कहते तबाह कर दिए। सो वैसे कुछ टाइम रिलैक्सिंग टाइम मिला था बच्चों को, माशाल्लाह आपके तो मतलब फैमिली में बच्चे भी हैं, तो सजाद भाई अभी उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट है कॉलेज स्कूल जाने की वापस, या फिर वो धीमे पड़े हुए हैं इस टाइम? बच्चे डबल माइंडेड हैं, डबल माइंडेड है, कंफ्यूज हैं। कभी वो कहते हैं कि यार स्कूल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड भी हो गया ना बहुत सारे। अच्छा, बहुत छोटे जो मैट्रिक अंडर मैट्रिक बच्चे हैं ना, वो ज्यादा डबल माइंडेड है, वो कंफ्यूज। और वो कोरोना का सीजन, क्योंकि हमने तो कोरोना से निकल गए ना, आप हो गए, मैं हो गए, या हमसे छोटे हो गए यूनिवर्सिटी के लड़के, कॉलेज के, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं और उनके स्कूल लेट भी खोले जा रहे हैं, 30th को उनको ओपन कर रहे हैं, और वो हो भी रहा है कि वो ग्रुप्स में है, एक ग्रुप आएगा और एक दिन ऑफ होगा, एक दिन, एक दिन बच्चे आया करेंगे, एक दिन टीचर आया। ये तो वो रिग्स की जॉब हो गई ना, 28 डेज एट द रिग और 14 डेज ऑफ द रिग, तो ऐसे ही है कि एक दिन आएंगे और जिस दिन बच्चे आएंगे उस दिन टीचर नहीं आएंगे, ऐसे ही है। सजाद भाई एक शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम आपके शेर के साथ करेंगे, कोई भी एक शेर जो आपको वैसे ही याद आ रहा हो, मेरी शक्ल देख के याद आ रहा हो। नहीं, वो तो मैंने अभी आपको सुना ही दिया ना, वो कि वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, वो एक शेर है ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क का, कि पहले पहल सब संजीदा होते हैं, पहले पहल सब संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। वाह, थैंक यू सो मच सजाद भाई, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने जब भी बनते हैं, कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, आप सोना आप भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, आप वैसी बातें करते रहते हैं, दोस्त तो दोस्त हैं यार, सर दोस्त हैं, लेकिन आप उस्ताद भी हैं सर, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, सो नाइस, सो नाइस। जाते 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 ऑटोग्राफ दे दिएगा, तीन चार लड़कियां मैंने आते हुए देखी है। अच्छा, नाम में वो नाम तो वही वाला है ना, जैसे वो जो मैं शेर सुनाया करता हूँ कि हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नाम और नसब नहीं आता, नहीं आता, तो सर इसके आगे भी चलेंगे, ये तो बड़ा खूबसूरत, मैं इसी का याद कर रहा था, मैंने कहा ये आने वाला है। वो अदीम आशफी की जितने शेर जहन में है कि वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता, और हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नाम और नसब नहीं आता, प्यार में याद है जुदाई मुझे। देखें सारी जिंदगी याद ही रहती है, ये जो अहद होता है, ये जो लव मोमेंट्स होते हैं, ये कुछ कुछ याद रहते हैं, ऐसा ही है। प्यार में याद है जुदाई मुझे, ये सबक सबका सब नहीं आता, नहीं आता। आप मरने की बात करते हैं,
आप जीने की बात करते हैं, हमको मरने का ढब नहीं आता, और बात उसको अधीम आती है, बात उसको अधीम आती है, बात करने का ढब नहीं आता। थैंक यू सो मच सज्जाद भाई। खैर जनाब, छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, सज्जाद भाई के साथ, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। एक शेर आप लोगों के लिए कि बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, आते हो छाते हो बरसते हो चले जाते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कल रात इंशाल्लाह 10 से 12 फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, फी इमान अल्लाह। लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला।